स्टूडेंट, अब हम करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के जो शायद सारे टॉपिक आ चुके हैं, अब फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों की कुछ हेल्प कर लेते हैं थोड़ा सा। ये पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि बहुत लंबा नॉवल्स दिया गया है, कंथापुरा इसको कहेंगे, कंथापुर है वैसे, कंथापुरा बोलते हैं बट हिंदी में करेंगे तो कंथापुरस है। बी ए फाइनल का फिफ्थ सेमेस्टर का राजा राव का लिखा हुआ है। पहले हम चर्चा कर लेते हैं थोड़े से मेजर करेक्टर कौन कौन है। जो हमारा हीरो है वो इस नॉवल्स का, वो है मूर्ति। मूर्ति जो है एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता है, परंतु गांधी जी के जो आइडल्स हैं उनसे काफी सारा प्रभावित हो जाता है, और फिर जातिवाद अनटचेबिलिटी की बीमारी जो है, जो हमारे समाज में फैली हुई थी, उसको बायकट करता है। ये दो तीन बार जेल में भी जाता है और कई सारे करेक्टर, पहले मैं मेन करेक्टर की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ अपने को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम जो हीरो है हमारे नॉवल का उसी की बात करते हैं, मूर्ति। मूर्ति इज ए यंग ब्राह्मण बॉय है, हाई सोशल कास्ट इन इंडिया में इसको मानते थे पहले, हु हैज रिटर्न टू हिज विलेज कंथापुरा में, जो वापस आता है अपने गांव में। ही इज हैवली इंस्पायर्ड बाय द महात्मा गांधी नेशनल मूवमेंट, बहुत ज्यादा प्रेरित था गांधी जी का जो आंदोलन था राष्ट्रवादी, टू लिबरेट इंडिया, भारत को आजाद कराने का जो आंदोलन गांधी जी ने छेड़ा हुआ था, उससे काफी सारा प्रभावित था, मोटिवेट हुए। ही इज सोवर्ड विद लव एंड रिस्पेक्ट बाय द पीपल ऑफ कंथापुरा, कंथापुर के लोगों ने बहुत सम्मान प्यार इसको दिया मूर्ति को। वो डिसाइड टू फॉलो हिम फियरलेसली, मतलब बिल्कुल निडर होके उन लोगों ने इसका साथ दिया, अंग्रेजों से भी निडर होके, यहाँ तक पुलिस वाले से भी हाथापाई करते हैं। इन द नॉवल में ही इज रेफर्ड एज द स्मॉल माउंटेन वाइल महात्मा गांधी इज द बिग माउंटेन्स, कि इसको स्मॉल माउंटेन कहा है और महात्मा गांधी को बिग माउंटेन्स कहा है। हालांकि महात्मा गांधी डायरेक्टली इसमें नहीं आएंगे बट बैकग्राउंड में हमारे कैरेक्टर्स रहेंगे। He managed to establish the Congress Party in adherence to Gandhian's value in Kanthapura के अंदर, गांधी जी की value को बढ़ाने के लिए, मतलब लोगों के अंदर स्थापित करने के लिए, वो वहाँ पे Congress Party के office की स्थापना भी करता है। ये मूर्ति है हमारे, मतलब इनको जो ना excommunicate कर दिया जाता है, स्वामी ही आएगा character, एक छोटा सा character है, वो भी ब्राह्मण था, उसने जो उसके कहने पे, दूसरे लोगों के कहने पे इसको अपने मतलब समुदाय से बेदखल कर दिया जाता है, और इस सदमे के अंदर मूर्ति की मदर भी एक्सपायर हो जाती है, परंतु ये अपने बात पे अडिग रहता है और सारा का सारा गांव जो है कोऑपरेट करता है। दूसरा कैरेक्टर है हमारा भट्टा। भट्टा इज द चीफ प्रीस्ट ऑफ कंथापुरा का ये प्रमुख पुजारी होता था, दक्षिणा वगैरह लेके बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है ये, और फिर लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे, मतलब हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसे देता है लोगों को, उनकी जमीन, मतलब जो कर्ज नहीं चुका पाता उसकी जमीन को हड़प लेता है ये, परंतु बाद में ये भी जो है गांधीयन फिलोसफी से प्रभावित होता है। ये काफी सारी जमीन जो है गाँव के अपने नाम करवा लेता है, शायद 90 एकड़ के करीब जो है गरीब लोगों की, धीरे धीरे करके, मतलब वो इंटरेस्ट रेट भी अलग लगा, अगर किसी को इमरजेंसी चाहिए तो 10 रुपए सैकड़ा ले लेता था, ऐसे कुछ बातें इसमें। बट इज द चीफ प्रीस्ट ऑफ कंथापुरा का, कंथापुर का ये प्रमुख पुजारी है। He exploited the villagers and has nothing to do with the Gandhian philosophy. भी गांव वालों का शोषण करता है, मतलब इसको गांधी जी की थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है। He goes on to oppose मूर्ति का विरोध करना, इसका काम इन establishing the Congress party जो स्थापित करता है वो विरोध करता है इसका। भट्टा इज एन इनडायरेक्ट एजेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट का, अप्रत्यक्ष रूप से हम एजेंट भी कह सकते हैं इसको। ही कैन बी परसीव्ड एज वन ऑफ द एंटागोनिस्ट, होता है जो आदमी विरोध करे किसी का, ए पर्सन हुड एक्टिवली अपोज टू समवन, ये बार बार ऑफ नॉवल का इसको एंटागोनिस्ट कह सकते हैं, मतलब विलियन खलनायक कह ले हम, यह इसका कार्य जो विरोध करना, परंतु लास्ट में आके ये भी सुधर जाता है। पटेल रंगे गौड़ा, ये वैसे ऑफिशियली जो है ना रिवेन्यू ऑफिसर है ये गांव का, और यहाँ पे एक बड़े खान करेक्टर आएगा, वो पुलिस वाला है वो, और बड़े खान जो है गांव में आता है, वो कहता है कि मेरे को कमरा अरेंज, मकान अरेंज करो, परंतु ये इसको इग्नोर कर देता है, हाथापाई भी होती है उसके साथ, परंतु उसको कोई भी प्रेफरेंस वहां पर नहीं देता है। ऑफिशियली पटेल रंगे गौड़ा इज द प्राइमरी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कंथापुरा विलेज का, जो कंथापुर का ये ऑफिसर कहते हैं, एग्जीक्यूटिव रिवेन्यू ऑफिसर्स है। However, he acts as the mayor of the entire village. सारा का सारा गांव इसके कहने के अनुसार चलता है। He has a strong and powerful, formidable, powerful presence, and in no decision can reach its conclusion without Ranga's Gowda's approval. कि गांव में इसका बहुत ज्यादा प्रभुत्व है, बड़ा पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, और इसकी उपस्थिति जो गांव में दर्ज की जाती है, कोई भी निर्णय लेना हो बगैर इसकी सहमति के वो निर्णय नहीं होता। He is often referred as the tiger of the village, गांव का टाइगर जिसको कहा जाता है। He जो is social authority in order to assist मूर्ति की सहायता करने के लिए, वो अपने सामाजिक प्रतिष्ठा का भी पूरा का पूरा, मतलब उसको कोऑपरेट करता है जितना जल्दी हो सके। ये थे पटेल रंगे गौड़ा।
ये रणकामास है, इज अ वाइडली रिस्पेक्टेड वुमेन हु कैन रीड एंड राइट. मतलब इसके पिता से, इसके पिता बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, उनसे इनहेरिटेंस मतलब विरासत में इसको मिली है. ये मतलब बहुत पढ़ी लिखी है और स्कॉलरली है, मतलब सभी को मतलब अपने विचारधाराओं से प्रभावित करती है. रंगामा इज वाइडली रिस्पेक्टेड वुमेन हु कैन रीड एंड राइट. सी इज चाइल्डलेस विडो, मतलब विडो है ये, चाइल्डलेस है, बट सी डज नॉट लेट इट ब्रिंग हर डाउन. परंतु इससे अपमान नहीं होने देती कि इस बात को देख के कि वो चाइल्डलेस है. सी इज रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन एंड हाई एस्पिरेशंस. बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएं रखती है, दृढ़ निश्चय रखती है, और इसलिए इसका सम्मान समाज में है. सीरीज बट्टाज रिलीजियस डिक्टेटरशिप इन फेवर ऑफ गांधीयन मोटे, वो ठुकराती है बट्टा की रिलीजियस डिक्टेटरशिप, धार्मिक तानाशाही, जब वो गांधी जी की मूर्ति की जो गांधीयन थ्योरी है उसके फेवर में वो बोलती है, मतलब मूर्ति के पक्ष में रहती है. सी एजुकेट एंड लीड्स द वुमेन ऑफ कंथापुरा टू फॉर्म नॉन वायलेंट रेसिस्टेंट ग्रुप कॉल्ड सेविका संघ. और वो एजुकेट एंड लीड्स द वुमेन, औरतों को प्रशिक्षित करती है, सिखाती है, उनका नेतृत्व करती है कंथापुर के अंदर. और एक नॉन वायलेंट रेसिस्टेंट होता प्रतिरोध करने का ग्रुप जो है, सेविका संघ नाम से औरतों का एक संगठन बनाती है. ये मिस्टर बड़े खान, जिनको गांव में रहने के लिए जगह नहीं मिलती, एक स्कैफिंगटन स्टेट है ये, वहां पे फिर रहता है. और एक बार हाथापाई भी होती है इसके साथ में और मूर्ति के साथ में, मूर्ति को ये पीटता है. परंतु तभी जो वहां के पैरियार कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने इसको पकड़ के और अच्छी तरीके से इसकी पिटाई की थी. परंतु बाद में ये भी लास्ट में आके ये भी ठीक हो जाता है, मतलब भजन पार्टी में लास्ट में आके शामिल होता है. ये भी गांधीयन फिलोसफी से प्रभावित हो जाता है लास्ट में, बिल्कुल एंड में. बड़े खान इज अ मुस्लिम पुलिसमैन है, हु हैज रिसेंटली अराइव्ड इन कंथापुर के अंदर अभी आया है. ही फाइंड लॉजिंग इन स्कैफिंगटन स्टेट. इसको गांव में जब उससे बात होती है गौड़ा से तो अरेंज नहीं कर पाता है, तो फिर वहां पे स्कैफिंगटन स्टेट है, बागान है कॉफी का, वहां पे उसको एक गंदा सा क्वार्टर मिल जाता है थोड़ा सा रहने के लिए, वहां पे रहता है ये. ही इज एन एजेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट का एजेंट है, एंड इज होस्टाइल टुवर्ड ऑल फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, हर प्रकार के विरोध के लिए इसको भेजा गया है यहाँ पे देखरेख करने के लिए. उसके विरोध है, हर कोई भी विरोध करेगा गांधीयन थ्योरी का या किसी प्रकार का, ये उसका प्रोटेस्ट करेगा. बड़े खान गोज ऑन टू वीसीसली बीट, मूर्ति को पीटता बड़े बुरी तरीके से दुष्टतापूर्वक. व्हेन ही ट्राइज टू मीट द कॉफी स्टेट वर्कर, जो पेरियार कम्युनिटी के वर्कर रहते थे, जब उनको मिलने की कोशिश करता है तो इसको पीटता है मूर्ति को. परंतु उसके बचाव में जो वहां के वर्कर हैं वो आते हैं और फिर बड़े खान को पीटते हैं वो लोग, फिर अच्छी तरीके से इसकी पिटाई की जाती है. कमलामास, कमलामा इज द सिस्टर ऑफ रंगम्मा की बहन है ये. ही स्टैंड अ स्टार कॉन्टेस्ट टू वैल्यूज एग्जिबिटेड बाई रंगम्मा. रंगम्मा की जो गुण है उसके बिल्कुल विपरीत है ये. सी रिजेक्ट हर सिस्टर्स कन्वर्सन टू गांधीयन लाइफ स्टाइल, की वो ठुकरा देती है अपनी बहन, जो उसकी बहन जो बदल गई गांधी जी की अनुयायी हो गई है, उसको विरोध करती है. द ओनली कॉन्सर्न ऑन हर माइंड इज टू समहाउ री मैरी हर विडो डॉटर रत्ना, की एकमात्र चिंता इसको यही है कि इसकी बेटी की दोबारा शादी हो जाए रत्ना की. वो 10 साल की थी, रत्ना भी हमारा मेन करेक्टर रहेगा, हीरोइन तो हम नहीं कह सकते बट ये मेन करेक्टर अपना है. रत्ना इज 15 ईयर, जब 10 साल की थी इसकी शादी हो गई थी और ये मतलब पहले ही विडो हो गई थी, और ऐसे ही अपनी जिंदगी को व्यतीत करती है बट किसी प्रकार की कोई बात नहीं आती है. रत्ना इज 15 ईयर ओल्ड डॉटर ऑफ कमलम्मा, की जो है 15 साल की बेटी है. हाउएवर सी हैज मोर इन कॉमन विद द आंट रंगम्मा, के साथ इसके अच्छे रिलेशन, इसकी मौसी जो है सी टू इज इंस्पायर्ड बाई गांधीयन फिलोसफी से ये भी प्रभावित है. डिस्पाइट बींग ए विडो, विधवा होने के बावजूद सी डज नॉट केयर फॉर ट्रेडिशनल सोशल डेकोरम. वो कोई परवाह नहीं करती कि भाई सफेद कपड़े पहनने चाहिए, ये चूड़ियाँ डालती है, रंगीन कपड़े डालती है, कलर फैशनेबल, मतलब बाल कटवाने सेव करवाने हो तो नहीं करती, मतलब कोई सामाजिक डेकोरम को ये नहीं मानती है. मतलब मॉडर्नाइजेशन है थोड़ा सा, ये पुरानी परंपराओं के अनुसार नहीं है. सी लीड्स द सेविका संघ, जो उसको सेविस कहा है, आफ्टर रंगम्मा इम्प्रिजनमेंट. रंगम्मा को जब इसको इम्प्रिजनमेंट जेल में चली जाती है तो रत्ना जो सेविका संघ जो बनाया था उसका नेतृत्व करती है. ये हमारे मेन मेन करेक्टर थे. इसके बाद में काफी सारे छोटे करेक्टर हैं, उनकी हम चर्चा नहीं कर सकते हैं. जो भी लेसन में आते जाएंगे उसको सीरियल वाइज थोड़ी थोड़ी स्टोरी हम लेंगे, स्टोरी में सारी बातें बताई जाएंगी. इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल्स है ये. पहले सिलेबस में एक ही लेसन होता था इसके अंदर, अब पूरा का पूरा नोवेल दे दिया गया है. परंतु इसकी समरी की जाएगी, डिटेल में पॉसिबल हमारे लिए नहीं है. माइनर कैरेक्टर्स की हम चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, जो आते चलेंगे और लेसन जब हम समरी पढ़ेंगे, इसकी समरी मैं आपको दिखाऊंगा. इसके अंदर समरी आएगी और समरी को पढ़ेंगे लेसन वाइज, 3-4 कोशिश करेंगे भी 3-4 वीडियो में ही इसको डाल दी जाएगी. अब हम करते हैं डिटेल में बात इसकी, समरी के टाइप में. ये जो कहानी है कंथापुर की, ये एक अचक्का जो है, एक ओल्ड करेक्टर है हमारा, वो बूढ़ी सी औरत है जो इस कहानी को नरेट कर रही है, वर्णन कर रही है, इस कहानी को सुना जा रहा है कंथापुर की. द राइटर बिगिन द स्टोरी
ऑफ द नॉवल्स बाय गिविंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द विलेज कंथापुरा, कि लेखक हमारे जो राजा राव है वो कहानी का वर्णन करना शुरू करते हैं, वर्णन करते हैं गाँव का, कंथापुरा गाँव है वहां से स्टार्ट होती है कहानी। दिस स्मॉल विलेज इन कारा प्रोविंस ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के अंदर कारा प्रांत के अंदर एक छोटा सा गाँव है। दिस विलेज इज प्रीमियरली एग्रीकल्चर विलेज, यहाँ पे जो गाँव के लोग हैं खेती बाड़ी करते हैं। इन द फर्स्ट फ्यू पैराग्राफ वी कम टू नो द जनरल सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द विलेज, स्टार्ट में हमें कुछ वहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में गाँव की पता लगता है। विलेजर ग्रो क्रॉप्स लाइक कार्डिमोम्स, कॉफी, राइस एंड सुगर केन्स। कार्डिमोम्स, इलायची, कॉफी, राइस एंड सुगर केन की खेती वहाँ ज़्यादा होती है। इट इज़ ए कास्ट रीडन विलेज, गांव मतलब एक कहते हैं जातिवाद से प्रभावित, काफ़ी सारा जाति प्रथा यहाँ पे ज़्यादा प्रभावित है। विलेज ऐसा है जहाँ पे जाति प्रथा को ज़्यादा मानते हैं लोग। द विलेज इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्वार्टर अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कास्ट, अलग अलग जातियों के अनुसार अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्थान बनाए गए हैं। सारा का सारा गाँव बटा हुआ है। देर आर ब्राह्मण क्वार्टर, पैरियार क्वार्टर, पैरिया क्वार्टर्स एंड पोर्टर्स होता है कुम्हार के क्वार्टर्स एंड वीवर जुलाहियों के क्वार्टर्स एंड शूद्र क्वार्टर। इस तरीके से चार, एक दो तीन चार पांच हिस्सों में डिवाइड किया गया। द टू मेजर कास्ट इन द विलेज आर ब्राह्मण्स एंड पैरियास, दो प्रमुख जातियां यहां पर है ब्राह्मण्स और पैरियास। हाउएवर ऑल द पीपल ऑफ द विलेज लिव टूगेदर पीसफुल, यद्यपि कोई उनका मतभेद नहीं है, सभी गांवों के लोग जो है शांति से आराम से चैन से रहते हैं, कोई उनका झगड़ा नहीं है किसी प्रकार का। द टू मेजर कास्ट इन द विलेज ब्राह्मण और पैरिया, दो मेन कम्युनिटीज हैं। हाउएवर ऑल द पीपल लिविंग इन द विलेज लिव टुगेदर पीसफुली, दे टेक पार्ट इन कल्चर एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स ज्वाइंटली, मिलके वहाँ पे जो भी सांस्कृतिक या धार्मिक प्रोग्राम्स होते हैं मिलके करते हैं वो लोग। द पीपल ऑफ द विलेज आर रिलीजियस माइंडेड, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं इस गाँव के। दे बिलीव इन गॉड एंड गुडेसिस, देवी देवताओं में ज़्यादा विश्वास करते हैं। दे मेनली वर्शिप गुडेसिस कंचम्मा, कि देवी कंचम्मा, इसका भी रोल है, देवी कंचम्मा की वो पूजा करते हैं। दे कंसीडर दिस गॉडेस इज एज द प्रोटेक्टर ऑफ द विलेज, वो मानते हैं इस देवी को कि गांव की संरक्षक है, प्रोटेक्टर है। द विलेजर सीक्स द ब्लेसिंग ऑफ गॉडेस टू सेव देम फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ ट्रबल्स, गांव वाले जो है सीक्स होता है ढूंढना द ब्लेसिंग, वरदान लेते हैं देवी का, कंचम्मा का, टू सेव देम फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ ट्रबल, हर प्रकार की मुसीबतों से उनकी रक्षा करने के लिए। There is an old legend about this goddesses, इस देवी के बारे में, कंचम्मा देवी के बारे में, कंचम्मा देवी के बारे में भी एक दंत कथा, एक कहानी है। It is said that the goddesses kills a demons, कि ऐसा कहा जाता है इसने, एक देवी ने, कंचम्मा देवी ने एक राक्षस को मारा था on the hill, पहाड़ी के ऊपर, in the village, गांव में, that part of the hill is still red, कि वो जो हिस्सा जहाँ पे मारा गया था, वो राक्षस देवी ने, कंचम्मा ने मारा था, वो हिस्सा अब भी लाल है। मतलब वहां पे एक बात आती है कंचम्मा देवी का क्या रोल है, क्वेश्चंस भी था ये। स्मॉल टेम्पल नेम्ड कंथापुरवेश्वरी टेम्पल्स, कंथापुरवेश्वरी नाम का एक छोटा सा मंदिर है, इज द सेंटर ऑफ द लाइफ इन द विलेज, गांव का केंद्र बिंदु है ये। देर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द टेम्पल, इस मंदिर के बारे में भी एक विचित्र सी कहानी है, रोचिकर। मूर्ति इज ए यंग ब्राह्मण बॉय ऑफ द विलेज, गांव का नौजवान लड़का है, ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता है मूर्ति। ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द नॉवल, ये हीरो है हमारा कैरेक्टर का, मैंने पहले थोड़ा सा हिंट इसके बारे में दिया भी है। वन डे मूर्ति फाउंड ए हाफ संक शिवलिंग, एक दिन मूर्ति ने आधा डूबा हुआ शिवलिंग मिल गया वहां पे, पानी में आधा डूबा हुआ। द विलेजर डिसाइडेड दैट ए टेम्पल शुड बी बिल्ड देयर, कि गांव वालों ने निर्णय किया कि यहाँ पे जहां पे शिवलिंग मिला है यहाँ पे एक मंदिर बना देना चाहिए। सुन ए टेम्पल वॉज इरेक्टेड इन द विलेज, सीघर ही वहां पर एक मंदिर इरेक्ट होता है, खड़ा कर देना, मंदिर बना दिया जाता है। बट्टा द विलेज प्रीस्ट परफॉर्म द कंस्ट्रक्शन सेरेमनीज, जो उत्सव होता है मुहूर्त का वो भट्टा करता है प्रोग्राम सारा का सारा। रंगम्मा गेव ए फीस्ट टू सेलिब्रेट द ओकेजन, रंगम्मा जो है वो भोज का आयोजन करती है इस उत्सव के ऊपर, खाने का प्रोग्राम करती है इस अवसर पर, फीस्ट मैंने भोज होता है। द पोस्ट मास्टर सूर्य नारायण सुजेस्टेड दैट दे शुड सेलिब्रेट शंकर जयंती, तो यहाँ पे पोस्ट मास्टर सूर्य नारायण है, छोटे छोटे करेक्टर काफी सारे आएंगे, वो सुझाव देते हैं दैट दे शुड सेलिब्रेट शंकर जयंती, उन्हें मनानी चाहिए, ये वो सुझाव जो है पोस्ट मास्टर सूर्य नारायण देते हैं। द सुजेशन वॉज वेलकम बाई ऑल, सभी इस बात को मान लेते हैं, सुझाव मान लिया जाता है। द जयंती वॉज सेलिब्रेटेड विथ फेथ एंड प्लेजर, बड़े खुशी के साथ, विश्वास के साथ और खुशियों के साथ जो है जयंती मनाई जाती है। फीस्टिंग वेंट ऑन फॉर ऑल डे, सारा दिन ऑफ द जयंती के दिन सारा दिन भोज का आयोजन होता रहता है, खाने का प्रोग्राम। रंगम्मा ऑफर्ड फूड ऑन दिस डेज, की इन दिनों में रंगम्मा जो है अपनी तरफ से भोजन
देती है, मतलब भोजन का आयोजन जो है, खाने का आयोजन रंगम्मा करती है। आफ्टर दैट जयंती वाज ओवर, जब जयंती खत्म हो जाती है, भोज भाज रंगम्मा ने अरेंज किया था, उसके बाद में मूर्ति गेव द आइडिया दैट हरी कथा रेसिटेशन ऑफ गॉड स्टोरी, की एक हरी कथा का, भगवान के बारे में एक कथा का मतलब प्रोग्राम किया जाना चाहिए यहाँ पे, शुड बी अरेंज की प्रबंध किया जाना चाहिए, हरी कथा हो जाए यहाँ पर। ही सेड दैट ही वुड अरेंज ए हरी कथा। मैंने कहता है कि मैं जो है एक हरी कथा, जो कथा सुनाने वाले आदमी है, भगवान की जो कथा सुनाएंगे उनका प्रबंध मैं कर देता हूँ। द विलेजर ग्लेडली एग्रीड, जो गाँव वाले खुशी खुशी इस बात पर सहमत हो जाते हैं। एंड ईच वन ऑफ देम कॉन्ट्रीब्यूटेड 1 रुपीज फॉर दिस पर्पज, और प्रत्येक जो है 1-1 रुपया अपनी तरफ से हरी कथा के लिए आयोजन में जो पैसे खर्च होने हैं उनमें दे देते हैं। मूर्ति वाज ए ट्रू गांधियन हु बिलीव्ड इन मिक्सिंग विद पीपल ऑफ ऑल कास्ट। ये ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता था ये, परंतु ये विश्वास करता था गांधी जी की थ्योरी में, सभी लोगों के साथ मिलकर चलता था, हर जाति के लोगों के साथ मिलकर काम करना इसका विश्वास था। इवेंट फ्रॉम डोर टू डोर टू कलेक्ट द मनी, जो पैसे इकट्ठे करने थे वो घर घर जाके इसने पैसे इकट्ठे कर लेता है। द हरिकथा मैन हु केम टू द विलेज वाज जयरामचार, ये भी एक छोटा सा करेक्टर है, हरिकथा होने के बाद में इसको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी और बाद में इसकी चर्चा शायद नहीं होगी। हरिकथा मैन हु केम टू द विलेज वाज जयरामचार आता है हमारे पास, जो हरिकथा सुनाने वाला है गाँव में। ही डिलीवर्ड द रिलीजियस डिस्कोर्सिस इन अ डिफरेंट वे, कोई धार्मिक वार्तालाप जो है कथा सुनाना है अलग तरीके से सुनाता है। He mixed the story of Indian freedom movement with the stories of God and goddesses, देवी देवताओं की कहानी के साथ में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो चल रहा है उसकी कहानी को मिक्सअप कर देता है, दोनों को मिला देता है वो। इसमें हरी कथा का भी एक क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। ही ऑल्सो कन्वेड द आइडियल ऑफ गांधी, महात्मा गांधी के जो आदर्श हैं उनको कन्वेड होता है, व्यक्त करना, उनको व्यक्त करता है इन एन इनडायरेक्ट वे, अप्रत्यक्ष तरीके से, सीधा नहीं डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे से प्रकट करता है। फॉर एग्जाम्पल ही वुड स्टार्ट हिज कथा इन दिस वे, अपनी कहानी को जो कथा है इस तरीके से शुरू करेगा। वन डे द सेज वाल्मीकि केम टू बर्मा, एक दिन वाल्मीकि ऋषि जो हैं वो बर्मा के पास पहुंचे। एंड टोल्ड हिम दैट द ब्यूटिफुल कंट्री भारत क्रिएटेड बाई हिम, की बहुत सुंदर सा देश आपने भारत बनाया था बाई हिम, इज नाउ इन ट्रबल, वो मुसीबत में है। नाउ द फॉरनर्स आर कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द ओशन, अब समुन्द्र पार से, महासागरों के पार से, विदेशों से लोग आ रहे हैं। दे आर ह्यूमिलेटिंग, होता है अपमानित करना, वो देश को अपमानित कर रहे हैं, हमें अपमानित कर रहे हैं। आर डिसरिस्पेक्टफुल टू द वुमेन ऑफ अर लैंड, और हमारी देश की जो औरतें हैं उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, मतलब उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। द पीपल ऑफ द कंट्री आर सफरिंग एट द हैंड्स ऑफ दिस फॉरनर, जो देश के लोग हैं वो पीड़ित हो रहे हैं इन विदेशी लोगों के हाथों से। सेइंग दिस सेज वाल्मीकि आस्कड वर्मा, ये बात कह के सेज वाल्मीकि जो हैं वो बर्मा से कहते हैं, वाल्मीकि जी, टू सेंड ए ग्रेट मैन टू द अर्थ, किसी महान आदमी को धरती पर भेजो टू सेव द कंट्री, देश को बचाने के लिए। बर्मा एग्रीड, बर्मा जी सहमत हो जाते हैं। एंड सेंट महात्मा गांधी टू इंडिया, और ये कहते हैं शिव के अवतार में, कि भगवान शिव का अवतार के रूप में महात्मा गांधी को भारत में भेज देते हैं। गांधी वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, गांधी जी गाँव गाँव जाते हैं। एंड स्टार्टेड वॉकिंग पीपल्स फ्रॉम देयर स्लीप, अवेकिंग्स, वेकिंग पीपल्स की, और गाँव के जो लोग हैं उनको उनकी नींद से जगाना शुरू कर देते हैं। इज प्रिपेयरिंग देम टू फाइट द सर्पेंट ऑफ द फोर्न रूल, कि उनको तैयार कर रहे हैं उन लोगों का जो विदेशी शासक हैं, एक सांप रूपी जो विदेशी शासक है उनसे लड़ने के लिए। डीमंस भी कहा है, राक्षस भी कहा है इनको। इज स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा का संदेश वो फैला रहे हैं। इस तरीके से हरी कथा कंटेंट्स ए पॉलिटिकल मैसेज, की इस हरी कथा के अंदर एक राजनीतिक संदेश भी जयरामचार के द्वारा दिया जाता है। इट्स रियल पर्पज वाज टू अवेकन द पीपल्स, की इसका वास्तविक उद्देश्य लोगों का जगाना। एंड प्रिपेयर देम फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल, और उनको तैयार करना स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए। और यद्यपि द स्वामी ऑफ द विलेज वाज ए फ्रेंड ऑफ ब्रिटिश रूलर, जो स्वामी है वो गाँव का, वो ब्रिटिश लोगों का, ब्रिटिश शासक जो है उनका दोस्त है, यही एक्सकम्युनिकेट करवाएगा मूर्ति को बाद में, गांव से मतलब जाति से बहिष्कार करवाएगा मूर्ति का। ही कंप्लेंट द पुलिस एंड गोड जयरामचार अरेस्टेड, वो जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे देता है कि इस तरीके से जयरामचार ने यहाँ पे एक कथा, गांधी जी के रूप में एक कथा सुनाई है, और उसको गिरफ्तार पुलिस को बता देता है, गोड जयरामचार को गिरफ्तार करवा देता है। मूर्ति फेल्ट सैड फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए तो मूर्ति को उदासी महसूस होती है। एंड वोट टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ गांधी, परंतु कसम उठाता है गांधी जी के सिद्धांतों का
अनुकरण करें कि फर्स्ट लेसन के अंदर जो है ये बात बताएगी, आगे छोटे छोटे पार्ट्स हैं सभी को इकट्ठा कर देंगे, मतलब कहानी जो है बिल्कुल उसको जुड़ती चलेगी, बट सारी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। यहां तक जो है जया रामचार को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाद में अब ये दिखाई नहीं देगा कहीं, परंतु जो गांधी जी की जो थ्योरी इन्होंने बताई है वो मूर्ति जो है उसको पहले भी विश्वास करता था और अब भी ज्यादा विश्वास इसका हो गया और लोगों के अंदर भी विश्वास हो गया, तो बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं ये गांधी जी के, जो ये कंथापुरा गांव है इसके सारे के सारे गांधी जी के ये अनुयायी बन जाएंगे। अभी स्टूडेंट इस पार्ट में बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर की फाइनल ईयर की जो यूनिवर्सिटीज ऑफ हरियाणा है कंथापुरा, कंथापुरा के सेकंड पार्ट में कुछ एक पार्ट जो है वो डाल दिया गया है, नेक्स्ट पार्ट में स्टोरी ही डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि इतना लेंथी नॉवल्स है, ज़्यादा बड़ा है वो, उसकी ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन सर ही आने, वैसे तो एक्सट्रैक्ट भी आएंगे बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो स्टोरी ही उसकी हम समझ लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चन उसके अंदर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो अपने आसानी से निकल जाएंगे, क्वेश्चन सर भी बाद में टाइम बचता है तो क्वेश्चन सर भी करवाए जाएंगे। यहाँ पे इस एपिसोड में बड़े खान जो पुलिस वाला है उसको भेजा गया अंग्रेजों ने, यहाँ पे जो मूवमेंट चल रहा है गांधी जी का उसकी निगरानी करने के लिए यहाँ पे इसको भेजा गया है, तो इसके साथ कैसे व्यवहार होता है, क्या गांव वाले जो हमारे जो मेन आदमी है जिनके पटेल रंगे गौड़ा जिनको ये कहा गया था कि इनके लिए अरेंजमेंट करें, उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं हेल्प करने में, ये बात आएगी। हाँ, बड़े खान इसे पुलिस मैन है, ही हैज़ बीन पोस्टेड, मेन करेक्टर रहेगा, ही हैज़ बीन पोस्टेड इन दिस विलेज, गांव में तैनात किया गया, बट द फेसिस ही फेसिस द प्रॉब्लम्स ऑफ अकोमोडेशन, परंतु जो रहने सहने के अकोमोडेशन होता निवास स्थान रहना भी, उसको रहने के लिए उसको समस्या आई है, उसके लिए मतलब जो रूम है वो अरेंज नहीं हो पा रहे, ही अप्रोचेज मैनी विलेजर बट नोबडी इज विलिंग टू गिव हिम एनी अकोमोडेशन, वो कई सारे गाँव वालों के पास पहुँचता है परंतु कोई भी उसको इच्छा नहीं जताता है कोई अकोमोडेशन देने की, मतलब उसको कमरे देने पर कोई भी अपनी सहमति नहीं जताता है। पटवारी नंजुंडिया, नंजुंडिया शोज हिज इनएबिलिटी टू हेल्प हिम, ये पटवारी नंजुंडिया जो है ये भी अपनी अक्षमता दिखाते हैं कि इनएबिलिटी मतलब अक्षमता दिखाते हैं कि भाई मैं तुम्हें नहीं दे सकता, नहीं वो उपलब्ध करवा सकता। पटेल रंगे गाउड़ आइए जो रिवेन्यू ऑफिसर गांव के कहेंगे इसको, आल्सो रिफ्यूजेज टू हेल्प हिम, इसके साथ ही अब्यूजेज गाली गलोच भी होता है, ये मना कर देते गौड़ा इसको सहायता करने से। बड़े खान इज ऑफेंडेड कि जब पटेल रंगे गौड़ा ने उनको मना किया वो नाराज हो जाता है, ऑफेंड हो जाता है, एंड कर्सिस हिम, उसको कोसता है, गालियां देता है, एंड गिव्स हिम थ्रेट और धमकी देता है पटेल रंगे गौड़ा को, ये बड़े खान। नो, बड़े खान गोज टू स्कैफिंगटन कॉफी स्टेट है, यहाँ पर बागान है अंग्रेजों का ही, ये अंग्रेज लैंडलॉर्ड है कोई इसके स्टेट विच क्लोज टू द विलेज, गांव के पास में ही है, वो वहाँ पे चला जाता है और वो जो द वाइट ओनर जो अंग्रेज मालिक था उसका ऑफ द स्टेट का, गिव्स हिम वन ऑफ द फैमिली क्वार्टर, जो पीछे क्वार्टर बने हुए थे कॉफी स्टेट के स्कैफिंगटन कॉफी स्टेट में, वहाँ पे एक क्वार्टर उसको दे देता है ऑफ द स्टेट के, एंड ही सेटल्स देयर और वहीं पे वो रह जाता है, मतलब गंदी बंदी बस्ती जो थी मजदूरों की वहाँ पे एक क्वार्टर इसको दे देता है और यहाँ पे वो रहने लग जाता है। सिर्फ इसका कीप ए वॉच मतलब निगरानी रखना जो है इस मूवमेंट्स में कौन क्या कर रहा है क्या, इसके काफ़ी सारे रोल्स आएंगे इसके बड़े खान के, इसमें अहम करेक्टर रहेगा ये। इन दिस चैप्टर में यहाँ पे द राइटर इंट्रोड्यूस भट्टा, ये पीछे था बड़े खान का जो टॉपिक था, अब आया भट्टा, ये भट्टा जो गवर्नमेंट एजेंट है, ही इज ए रिच मैन है, द विलेज द रिस्पेक्ट हिम, गांव वाले उसके सम्मान करते हैं, ही बिगेंस हिज लाइफ हम्बली, मतलब जो जिंदगी स्टार्ट की थी इसने बिल्कुल हम्बली मतलब विनम्रता से स्टार्ट की थी, ज़्यादा मतलब अमीर नहीं था ये, एंड इन हिज यूथ और अपने जवानी के दिनों में ही सर्वाइव्ड ऑन दक्षिणा विच ही गेट्स फ्रॉम द रिलीजियस माइंडेड पीपल, जो ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है उस पर जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे जो उसको देते थे उसी पर निर्भर करता था, ब्राह्मण है ये। ही also earns by telling people about the auspicious day, गाँव में शुभ दिन अमावस कब है, पूर्णिमा कब है, वो दिन भी बताता था, ये auspicious day बताता था, एंड द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जो महत्वपूर्ण त्यौहार वगैरह है उनकी डेट वेट भी ये बता देता था। ही also officiated as a priest at the time of marriage, शादी के समय में कोई और बर्थडे या फिर कोई जन्मदिन होता था, एक पुजारी के रूप में इसको ले जाते थे। इन दिस वे ही होल्ड ए लोट ऑफ मनी, इस तरीके से उसने काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे कर लिए, उसके पास दक्षिणा वगैरह आती थी लोग देते थे। Then he start the business of money lending. So उसने क्या काम किया, पैसे जो इंटरेस्ट पे देने स्टार्ट कर दिए, मनी लैंडिंग का काम कर दिया। वेरी सून ही बिकेम वेरी रिच और जल्दी से अमीर हो जाता है। ही एक्सप्लॉइट द नीडी विलेजर विद वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, गांव वालों का शोषण करता है, जिसको आवश्यकता होती है उसी पे ज्यादा ब्याज दर पे पैसे वो देने लग गया। वेरी सून ही बिकम रिच, बहुत जल्दी से वो अमीर हो जाता है। ही एक्सप्लॉइट द नीडी विलेजर विद वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, देन ही एक्सपेंड हिज बिजनेस बाई मॉर्गेजिंग,
लैंड्स एंड हाउसेज, मोर्गेज होता है गिरवी रखना, तो एक्सपेंड होता है फैलाना, अपने बिजनेस को और बढ़ाता है, वो लोगों की जमीन को और घरों को गिरवी रखना स्टार्ट कर देता है। जनरली द डेब्टर्स आर अनएबल टू पे बैक द मनी, आमतौर पर जो कर्जदार हैं वो पैसे नहीं चुका पाते, एंड ईजिली ग्रैब्स देयर प्रॉपर्टी और आसानी से उनकी जमीन को हड़प लेता है। बाय नाउ ही इज द ओनर ऑफ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द विलेज, अब तक वो जो लगभग आधे गाँव का मालिक बन चुका है, वो लगभग 130-135 एकड़ जमीन इसके पास हो जाती है, 120-125 एकड़। वन डे हिज नेगलेक्टेड वाइफ डाइड, अपनी पत्नी की तरफ भी बच्चों की तरफ भी ज़्यादा ध्यान नहीं है, एक दिन इसकी पत्नी जो मर जाती है, व्हेन हर फुट स्लिप, जब उसका पैर जो है स्लिप होता है, बट्टा गेट्स मैरिज अगेन, फिर शादी कर लेता है दोबारा, एंड हिज न्यू वाइफ ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ कैश एंड 5 एकड़ ऑफ लैंड एज ए डोरी, और उसकी नई पत्नी जो आई वो अपने पास बहुत से पैसे नगद और 5 एकड़ जमीन साथ में दहेज में मिली उसको। ही स्टिल प्रोस्पर्स इन मनी लैंडिंग बिजनेस, वो अब भी जो अमीर होता जा रहा था पैसे कर्ज देने के बिजनेस में, एंड ग्रोज रिचर, और दिन प्रतिदिन अमीर होता गया। बट ही प्रीटेंड टू हेल्प पीपल्स एंड अर्न देयर रिस्पेक्ट, परंतु वो ढोंग करता है कि मैं लोगों की सहायता करता हूँ और उनका इज्जत सम्मान भी उनसे प्राप्त करता है। ही हेल्प्स देम इन लॉ केसेस, जो मुकदमे वगैरह है उनमें भी वो सहायता करने शुरू कर गया। ही इंगेज सिटी एडवोकेट, उसने शहर में एक वकील से संबंध कर लिया, एंड सेव्स देम फ्रॉम द ट्रबल इन गोइंग टू द सिटी फॉर दिस पर्पज, और इस उद्देश्य के लिए वो उनको बचाता था कि भाई शहर में जाने के कोई भी काम जो था उसे बच जाते थे, वो पैसे दे देते थे इसको, वकील से इसका संपर्क हो गया था। ही आल्सो ही ऑफ कोर्स ही चार्जेज ए लिटल फी फॉर दिस, इसके लिए वो पैसे लेता थे, ठीक है। सेकेंडली इन डूइंग सो एक्वायर ए लॉट ऑफ लीगल नॉलेज आल्सो, जब उसने वकील से संपर्क हो गए, काफ़ी सारी कानूनी जानकारी भी उसको हो गई। दस ही ग्रोज इन वेल्थ एज वेल एज इन सोशल प्रेस्टीज, तो इस प्रकार धन भी बढ़ता गया उसके पास और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वी नो दैट जयराम चार्ज अरेस्टेड फॉर गिविंग पोलिटिकल मैसेज इन हिज सरमन्स, कि हमारे को पता है कथा जो हरी कथा जिसने सुनाई थी जयराज, उसको गिरफ्तार किया जा चुका था क्योंकि अपने जो उपदेश था हरी कथा के माध्यम से उसने राजनीतिक संदेश दिया था। मूर्ति गोज टू द सिटी एंड कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी जी, मूर्ति जो है शहर में चला जाता है और वो गांधी जी के प्रभाव में आ जाता है, गांधी जी का अनुयायी बन जाता है। ही स्टार्ट स्प्रेडिंग हिज आइडियल्स इन द विलेज, गांव में जो गांधी जी के आदर्श थे उनको फैलाना शुरू कर देता है। भट्टा लाइक द गांधी भजन इन द बिगिनिंग, शुरू में भट्टा जो पसंद करता है गांधी के भजन, बट लेटर ही बिकेम होस्टाइल्स टू द गांधीयन मूवमेंट, परंतु बाद में वो दुश्मनी वैर की भावना रखना होता होस्टाइल से इस मूवमेंट से, इस आंदोलन के प्रति वो प्रतिद्वंदी की भावना वैर की भावना रखता है। ही स्टार्ट टेलिंग्स द ब्राह्मण्स ऑफ द विलेज दैट द स्वामी वुड एक्सकम्युनिकेट दैम इफ मूर्ति डज नॉट स्टॉप मिक्सिंग विद द पैरियास। ही स्टार्ट टेलिंग द ब्राह्मण, लोगों को बताना शुरू कर देता है गाँव के ब्राह्मणों को, दैट द स्वामी वुड एक्सकम्युनिकेट दैम, कि स्वामी जो है ये उनका बड़ा ब्राह्मण है, कि उसको जाति एक्सकम्युनिकेट होता है जाति से निकाल देना, इसको बेदखल कर देना। ई मूर्ति डज नॉट स्टॉप स्टॉपिंग, अगर मूर्ति जो है ये काम करना मिक्सिंग विद द पैरिया कम्युनिटी है, ये इस पैरिया कम्युनिटी के लोगों से अगर वो मिलना बंद नहीं करता है तो इसको जाति से निकाल दिया जाएगा, स्वामी इसको जाति से निकाल देगा। ही बिकम ए गवर्नमेंट एजेंट एंड टर्न अगेंस्ट द नेशनलिस्ट मूवमेंट, इस तरीके से वो गवर्नमेंट का एजेंट बन जाता है भट्टा, और जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसके खिलाफ हो जाता है। मूर्ति इज ग्रेटली अफेक्टेड बाई द अरेस्ट ऑफ जयराम चार, मूर्ति जो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है जयराम चार के गिरफ्तार होने के बाद। नाउ ही बिकेम्स ए ट्रू गांधी फॉलोअर, अब वास्तव में सच्चा गांधी जी का अनुयायी बन जाता है। इन द सिटी ही हर्ड गांधी स्पीकिंग इन पब्लिक मीटिंग, से शहर में गया हुआ था, वहाँ गांधी जी की मीटिंग इन्हें तो देखी, उसके भाषण सुने, ही वॉज डीपली मूव्ड बाई हिज, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ वो। ही इज डीपली मूव्ड बाई द बाई हिज वर्ड्स, की गांधी जी के शब्दों से बहुत ज़्यादा प्रभावित वो हुआ। He becomes a nationalist, वो राष्ट्रवादी बन जाता है। He gives up foreign clothes, give up होता है त्याग देना, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर देता है, त्याग देता है, and started wearing homespun खादी clothes, और घर के बनाए हुए जो खादी के कपड़े पहनना शुरू कर देता है। He returns to the city with a bundle of posters about nationalist movement, he returns to the city, शहर से वापस लौटता है बंडलों को, एक बंडल लिए हुए पोस्टरों का अबाउट नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो राष्ट्रवादी आंदोलन से संबंधित पोस्टर थे उनको लेके आया है। ही आल्सो ब्रिंग्स कॉटन एंड स्पिनिंग व्हील, और साथ में कॉटन और स्पिनिंग व्हील मीन चरखे वगैरह अपने साथ लाया है। सून हिज बिग हाउस बिकम्स द ऑफिस ऑफ द विलेज कांग्रेस कमेटी, शीघ्र ही उसका बड़ा घर जो है कांग्रेस कमेटी का एक ऑफिस बन जाता है, कार्यालय बना लेता है समझो। रनगम्मा आल्सो पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटी, रनगम्मा भी जो है इसमें अपनी एक्टिविटी में हिस्सा लेती है। हरनीस उसकी जो भतीजी है रत्ना इज ए यंग विडो, वो नौजवान विधवा है। सी
आल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द नेशनल मूवमेंट, वो भी अपना सही कॉन्ट्रीब्यूशन सक्रिय होकर योगदान देती है इस राष्ट्रवादी आंदोलन में। देर आर सम रेफरेंसेज टू द अट्रैक्शन बिटवीन रत्ना एंड मूर्ति, रत्ना और मूर्ति के बीच में कुछ आकर्षण की चर्चाएं होती है, बट ऐसा नहीं था। मूर्ति एंड हिज फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूट फ्री चरखा टू द विलेजर्स, की मूर्ति और उसके दोस्त जो है बांटते हैं चरखे फ्री में गांव वालों को। मूर्ति विजिट ऑल द मोहल्लाज ऑफ द विलेज, गांव के जितने भी मोहल्ले थे सभी में जाता है, इंक्लूडिंग द ब्राह्मण मोहल्ला, शूद्र मोहल्ला, सभी के अंदर ब्राह्मणों के, शूद्रों के। ही टेल्स देम दैट दे वुड डू ए ग्रेट सर्विस टू द नेशनल बाय स्पिनिंग खादी यार्न, कि उनको बताता है कि वो बहुत ज़्यादा महान बड़ी सेवा करेंगे राष्ट्र की खादी के कपड़े बुन के, खादी का धागा बनाकर, यार्न में धागा। ही टेल्स देम, उन्हें बताता है दैट फॉर द फर्स्ट मंथ द कॉटन इज फ्री, सबको पहले महीने में कॉटन में मतलब सूत जो है फ्री में दिया जाएगा। ही सेज दैट व्हेन दे बाय फॉरेन क्लॉथ, जब वो कहते हैं जब हम विदेशी कपड़े खरीदते हैं, ऑल आवर मनी गोज टू द फॉरेन कंट्री, तो हमारा सारा का सारा पैसा विदेश में चला जाता है। दे कैन प्रिवेंट दिस बाय स्पिनिंग कॉटन यार्न, कि इसको वो बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। प्रिवेंट में नहीं होता रोकना, अगर घर के बनाए हुए कपड़े स्पिनिंग कॉटन यार्न करेंगे, अपने कपड़े बुनेंगे खुद, तो पैसा बच जाएगा। वियरिंग्स खादी क्लॉथिस, खादी के कपड़े पहनेंगे। मैनी पीपल ऑफ द विलेज फॉलोड हिम, काफ़ी सारे गाँव के लोग उसके अनुयायी बन जाते हैं, एंड टुक स्पिनिंग व्हील फ्रॉम हिम, और उससे चरखे ले लेते हैं। इट हैज देम दैट महात्मा गांधी आल्सो स्पिन फॉर 2 आवर्स डेली, वो उनको बताता है महात्मा गांधी भी दिन प्रतिदिन जो है 2 घंटे जो है सूत काटते हैं कम से कम। नरसम्मा, ये मूर्ति की माँ है, नरसम्मा इज द ओल्ड विडोड मदर ऑफ, मूर्ति की बूढ़ी विधवा माँ है नरसम्मा। सी कम्स टू नो ऑफ भट्टाज वार्निंग दैट दोज हु मिक्स विद द सूदर्स विल बी एक्सकॉम्युनिकेटेड, उसी कम्स टू उसको पता लगता है भट्टा ने जो चेतावनी दी है कि जो लोग शूद्रों के साथ मिलेंगे उनको जाति से निकाल दिया जाएगा। सी इज टेरिफाइड, वो डर जाते हैं। सी इज वॉज ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड वेन मूर्ति गेव अप हिज कॉलेज एजुकेशन, की वो पहले ही नाराज थी कि उसके बेटे मूर्ति ने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी। हर ड्रीम ऑफ मूर्तिज गोल्डन फ्यूचर, जो सपना देखा था उसने मूर्ति के भविष्य के बारे में, वाज सेटल्ड, वो टूट गया था। एंड नाउ देर इज द थ्रेट ऑफ एक्स कॉम्युनिकेशन, और वो एक धमकी और आ गई थी, एक डर आ गया था, खतरा कि उसको जाति से निकाला जाएगा। सी डिसाइड टू परस्यू, मूर्ति की वो निर्णय करती है मनाने का, मूर्ति को टू गिव अप हिज एक्टिविटी, अपने काम धंधे की गतिविधियाँ छोड़ दें। मूर्ति कम्स फ्रॉम द सिटी विद अ बंडल ऑफ बुक्स एंड अदर मटेरियल, मूर्ति जो है शहर से आया था किताबों का बंडल लेके और दूसरे सामान साथ में लेके। ही पुट इट इनटू द कांग्रेस रूम में उसको रख देता है एंड गोज टू हिज मदर, अपनी माँ के पास जाता है। बट हर मदर इज एंग्री विद हिम, परंतु माँ उसके, उसकी माँ जो उससे गुस्से है। सी टेल्स हिम दैट ही वुड नॉट बी वेलकम्ड इन होम अंटिल ही हैज बीन प्योरीफाइड बाई द स्वामी, वो कहते हैं कि जब तक स्वामी के द्वारा तुम्हारा शुद्धिकरण नहीं होता है तुमको घर में घुसने नहीं दूंगी मैं। मूर्ति गोज आउट ऑफ द हाउस, मूर्ति घर से बाहर चला जाता है। आफ्टर सम टाइम भट्टा कम्स, कुछ समय के बाद भट्टा आ जाता है। ही टेल्स मूर्ति की माँ को, कहता है दैट मूर्ति वाज वेरी एंग्री विद हिम भट्टा, क्यों कहते हैं कि मेरे साथ जो वो है मूर्ति बहुत ज़्यादा गुस्से है फॉर सेइंग दैट स्वामी विल एक्सकॉम्युनिकेट हिम, क्योंकि मैंने ये बात कही थी कि स्वामी जो तुम्हें जाति से निकाल देगा। बट मूर्ति हैड टोल्ड भट्टा दैट ही वुड नॉट गिव अप हिज वर्क, परंतु मूर्ति जो स्पष्ट शब्दों में भट्टा को कह देता है कि मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा। नाउ नरसम्मा इज मोर वरीड अबाउट मूर्ति के बारे में, उसकी माँ को, नरसम्मा को और ज़्यादा चिंता हो जाती है। फॉर मैनी डेज सी डज नॉट स्पीक टू हर सन, की काफ़ी दिनों तक अपने बेटे से भी नहीं बात करती है। बट मूर्ति ग्रो स्ट्रोंगर इन हिज डिटर्मिनेशन, परंतु अपने दृढ़ निश्चय के अंदर और मजबूत हो जाता है मूर्ति। वन डे भट्टा कम्स एंड टेल्स हर दैट द स्वामी हैज एक्स कॉम्युनिकेटेड हर सर, कि एक दिन भट्टा आता है और उसकी माँ को कहता है कि स्वामी ने तुम्हारे बेटे को जाति से बहिष्कृत कर दिया, मतलब जाति से बेदखल कर दिया है, हिज होल फैमिली, उसके सारे परिवार को, एंड द फ्यूचर जनरेशन और आने वाली पीढ़ियों को भी। नरसम्मा इज ग्रेटली शॉक्ड, और उसकी माँ को बड़ा सदमा लगता है एंड डाइस और मर जाती है। इतना ही रोल था इसका। दैट वेरी नाइट मूर्ति गोज अवे फॉर सम डेज, उसी रात को मूर्ति जो कुछ दिन के लिए बाहर चला जाता है। व्हेन ही रिटर्न्स हिज विजिट कन्नायाज हाउस, व्हेन ही रिटर्न, जब वो लौटता है, ही विजिट कन्नायाज हाउस, कन्नाया के घर पे जाता है। ही इज गिवन फूड एट द किचन डोर एज इफ ही वर ए शूद्र, कि उसको किचन के दरवाजे पे खाना दिया जाता है जैसे वो शूद्र हो। बट मूर्ति डज नॉट माइंड, परंतु मूर्ति इस बात की परवाह नहीं करता। ही कीप्स विजिटिंग द पैरियाज हाउस, वो पैरियाज कम्युनिटी के घरों में जाना जारी रखता है। देन इट इज डिसाइडेड दैट ही वुड गो टू द स्कैफिंगटन कॉफी स्टेट एंड टीच द वर्कर ऑफ लो कास्ट देयर,
तब वो निर्णय करता है कि वो जो है स्कैफिंगटन कॉफी स्टेट में जाएगा और वहाँ पे वर्कर्स को, लो कास्ट के जो लोग हैं उनसे मिलेगा और उनको इन शिक्षाओं के बारे में, गांधी जी के मूवमेंट्स के बारे में बताएगा। यहाँ इस पार्ट्स में हमारे को सैफिंगटन स्टेट जो है कॉफी बागान जहाँ पे बड़े खान रहते हैं, जो क्वार्टर दिया गया था वही की उसी की चर्चा है। इन दिस चैप्टर में द राइटर डिस्क्राइब्ड, यहाँ पे वर्णन करता है लेखक, इन दिस चैप्टर में द राइटर डिस्क्राइब द स्कैफिंगटन कॉफी स्टेट की चर्चा यहाँ पे की जाती है, जो काफी कॉफी का बागान था अंग्रेजों का। इट इज बिग कॉफी प्लांटेशन, बड़ा सा कॉफी का बागान है, स्प्रेड ओवर थाउजेंड ऑफ एकड़, हजारों एकड़ जमीन में फैला हुआ है। इट्स ओरिजिनल ओनर वाज कॉल्ड हंटर साहिब, जो इसका वास्तविक मालिक था उसका नाम, उसको कहते थे हंटर साहिब, बिकॉज ही ऑलवेज मूव्ड विद ए हंटर इन हिज हैंड, क्योंकि वो हमेशा हाथ में हंटर लेके घूमता था, इसलिए उसका नाम हंटर साहिब रखा हुआ था। आफ्टर हिज डेथ, उनकी मौत के बाद में हिज नेफ्यू बिकम इट्स ओनर, उसका भतीजा उसका मालिक बन जाता है स्कैफिंगटन स्टेट का। बट द पुअर पीपल्स फ्रॉम द प्लेन्स वर रिक्रूटेड हेयर एज कूलीज, द पुअर पीपल, जो गरीब लोग हैं मैदानी इलाके के, यहाँ पे उनको भर्ती किया जाता है वर्करों के रूप में, काम करने के लिए उसको लाया जाता है उनको। द पुअर पीपल वर इंटीस्ट, होता लुभाना, लालच में डालना, टू कम हेयर, कि वहाँ पे गरीब लोगों को लुभा कर लाया जाता है विद फॉल्स प्रोमिस, नकली वचन दे के, विच वर नेवर फुलफिल्ड, जो कभी पूरे नहीं किए जाते। द वर्किंग कंडीशन वर वेरी हार्ड, वहाँ की जो वर्किंग, काम करने की स्थिति है वो भी बहुत बुरी है। ही ट्रेंड हैविली हेयर एंड दे हैड टू वर्क इन रेन, कि यहाँ भारी बारिश होती रहती है और बारिश के अंदर ही काम करना पड़ता है लोगों को। द एरिया वाज आल्सो फुल ऑफ स्नेक, यहाँ पे सांप भी बहुत हैं इस इलाके में। सो द वर्कर्स हैड टू फेस ग्रेट हार्डशिप एंड हेल्थ प्रॉब्लम, तो इसलिए यहाँ पर वर्कों को, मजदूरों को काफ़ी सारी मुश्किलों का और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। द फीमेल वर्कर वर एक्सप्लॉयटेड सेक्सुअली, फीमेल जो औरतें हैं उनका जो वास्तविक मतलब शोषण भी किया जाता है सेक्सुअली, वासना संबंधी। इफ एनीबडी डेयर टू प्रोटेस्ट, अगर कोई हिम्मत करता है विरोध करने की, हर हस्बैंड और फादर वर बीटन मर्सीलेसली, तो अगर कोई औरत जो है विरोध करती है उनका, उसके पति को और उसके पिता को बुरी तरीके से निर्दयता से पीटा जाता है। इन दिस वे द कुलीज लिव्ड ए मिजरेबल लाइफ, इस तरीके से कुली जो है बहुत ही बदतर जिंदगी यहाँ पर जी रहे हैं। इस पार्ट में बताए कि वहाँ पे जो स्कैफिंगटन स्टेट है, किस तरीके से वर्कर से वहाँ पे काम लिया जाता है और किस प्रकार उनका शोषण किया जाता है, अगर कोई इनके खिलाफ बोलता है तो उनको पीटा जाता है, और किस तरीके से वचन दे के, झूठे वचन दे के उनको यहाँ पे लाया जाता है। बड़े खान द पुलिसमैन वॉज गिवन ए क्वार्टर टू लिव एट द स्टेट, बड़े खान को भी यहीं पे क्वार्टर दिया हुआ इसी स्टेट के अंदर। ही इंक्रेज द साहिब इन हिज डीलिंग विद द वर्कर्स, वो उसको प्रोत्साहित करता रहता साहिब को, उसके भतीजे को, वर्करों से सामना करने में। द मेजोरिटी ऑफ द वर्कर वर पैरियास बट सम ऑफ देम वर ब्राह्मण आल्सो, यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो पैरिया कम्युनिटी के लोग काम करते हैं, परंतु उनमें से कुछ ब्राह्मण भी हैं। दे हैड प्रोग्रेसिव व्यूज, उनके मतलब विचार जो हैं बढ़िया हैं। दे ऑफन टुक द पैरियाज टू कंथापुरा टू पार्टिसिपेट इन गांधी भजन, वो प्राय जो हैं पैरिया कम्युनिटी के लोगों का कंथापुर में ले जाते हैं गांधी जी के भजनों में अपना योगदान देने के, पार्टिसिपेट करने के लिए। दे इनवाइट मूर्ति टू कम टू द स्टेट टू टीच द इग्नोरेंट कुलीज, वो आमंत्रित करते हैं मूर्ति को स्टेट में, कॉफी स्टेट में आने के लिए, कि भाई जो अज्ञानी कुली हैं इनको कुछ उपदेश दो। द डे मूर्ति इज टू कम, जिस दिन उसे आना होता है मूर्ति को, ऑल आर वेटिंग ईगरली फॉर हिम, सभी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे बड़ी उत्सुकता से। व्हेन बड़े खान कम्स टू नो ऑफ इट, बड़े खान को इस बारे में पता लग जाता है कि इन्होंने यहाँ पे मूर्ति को बुलाया हुआ है, ही डिसाइड टू प्रिवेंट हिम, और बड़े खान जो निर्णय करता है उसको वहीं पर रोकने का, कि यहाँ पर नहीं आने देना है मूर्ति को। व्हेन मूर्ति रीचेस देयर, जब मूर्ति वहाँ पर पहुँचता है, ही स्टॉप्ड एट द गेट बाई बड़े खान के द्वारा, ही वॉज स्टॉप, ही स्टॉप्ड, उसको रोक लिया जाता है बड़े खान के द्वारा, उसको मेन गेट पर ही उसको रोक देता है बड़े खान, ये पुलिस वाला है। ही थ्रेटन मूर्ति विद सीरियस कॉन्सिक्वेंसिस, धमकी देता है कि भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे कॉन्सिक्वेंसिस। देन वासुदेव गंगाधर कम्स एंड गंगाधर, वासुदेव और गंगाधर आ जाते हैं, देर विद अदर ब्राह्मण वर्कर, दूसरे ब्राह्मण वर्कर भी आ जाते हैं उनके साथ। इन देयर अपोजिशन द फोरमैन एंड हिज स्पोर्टर आल्सो रेज देयर, उनके विरोध में फोरमैन और दूसरे जो अनुयायी स्पोर्टर वो भी आ जाते हैं विरोध में। देयर इज फियर्स फाइट बिटवीन दीज टू ग्रुप, दोनों ग्रुपों के बीच में एक लड़ाई शुरू हो जाती है। एट वन पॉइंट पे यहाँ पे पुलिस वाले को भी पीटते हैं ये लोग। एट वन पॉइंट पे द वुमेन सराउंडेड द फोरमैन एंड बड़े खान, कि औरतें जो है घेर लेती है फोरमैन को भी बड़े खान को भी, एंड आर अबाउट टू इंजर डैम, कि उनको मतलब ज़्यादा चोट पहुँचाने ही वाली थी, बट मूर्ति स्टॉप दें, परंतु मूर्ति उन्हें रोक देता है। स्कफल होता है यहाँ पे, हाथापाई होती है, मारपीट भी होती है। ही टेल्स देम दैट देयर शुड बी नो वायलेंस, को मूर्ति कहता है कि नहीं, गांधी जी के मूवमेंट में वायलेंस की, हिंसा की कोई जगह नहीं है, कोई हिंसा पे नहीं उतरेगा। इन द मेन टाइम, उसी दिन में वासुदेव लीड्स मूर्ति डाउन टू कंथापुरा के अंदर, वासुदेव जो है उसको मूर्ति को ले जाता है। द नेक्स्ट डे द फोरमैन थ्रो
रचन्ना एंड हिज वाइफ विद टू ग्रांड चिल्ड्रन आउट ऑफ देयर हट्स। अगले दिन जो है फोर मैन थ्रोज रचन्ना को एंड हिज वाइफ उसकी पत्नी को विद टू ग्रांड चिल्ड्रन उसके दो पोतों को आउट ऑफ देयर हट उनकी झोपड़ी से बाहर फेंक देता है एट द स्कैफिंगटन स्टेट से। पटेल रंगे गौड़ा गिव्स देम शेल्टर और पटेल रंगे गौड़ा जो है फिर उनको आश्रय देता है। मूर्ति डिसाइड टू लॉन्च डोंट टच द गवर्नमेंट कैंपेन्स और मूर्ति जो है तब निर्णय करता है एक नया अभियान चलने का भी सरकारी प्रॉपर्टी को सरकारी आदमी को छूना नहीं है। डोंट टच द गवर्नमेंट कैंपेन्स मतलब सरकार का अभियान चलाता है भी सरकार की चीज़ों का सरकारी आदमी को किसी को छूना नहीं मारपीट नहीं करना मीन्स। बट बिफोर दिस परंतु इससे पहले अंडरटेक ए फास्ट फॉर सेल्फ प्योरिफिकेशन। पीओ एक कंपेन शुरू करने से पहले अपने आप को एक व्रत रखता है शुद्धि के लिए। ऑन द लाइन्स ऑफ महात्मा गांधी ने जो कहा था उसे वो भटक गए थे। ही थिंक उस होता है दैट ही डाइवर्ट्स होता है भटक जाना फ्रॉम गांधी जी के जो आइडियल्स से आदर्श से उनसे भटक गए थे। एज देर वाज ए लोट ऑफ वायलेंस एट स्कैफिंगटन स्टेट के अंदर ज़्यादा हिंसा हो गई थी उसके लिए ये कुछ मतलब आमरण अनशन करेगा मीन्स फास्ट रखेगा अनशन करेगा ये। नाउ थ्रो हिज फास्ट किस अपने अनशन से ही वांट्स टू कन्वे द मैसेज संदेश देना चाहता था ऑफ ट्रूथ सच्चाई का नॉन वायलेंस और अहिंसा का। ही बिगेन से हिज फास्ट इन द टेम्पल्स में उस अपना जो अनशन है वो शुरू करता है। रत्ना ऑफन से विजिट हिम रत्ना उसके पास जाती है। ही ग्रोज वीकर डे बाई डे दिन प्रतिदिन कमजोर होता जाता है। वाटरफॉल्स वैन कम आल्सो कम देर ये भी करेक्टर है हमारा वाटरफॉल एंड कमा आल्सो कम्स एंड क्रिटिसाइज हिम वो भी उसकी आलोचना करता है। शिष्य वो कहता है दैट मूर्ति हैज पोल्यूटेड द होल विलेज बाई विजिटिंग द शूद्र कि सी सेज वो कहती है दैट मूर्ति हैज पोल्यूटेड द होल विलेज की मूर्ति ने सारे गाँव को प्रदूषित कर दिया है बाई विजिटिंग द शूद्रों के घर जाके एंड नाउ हिज फास्ट इज ओनली शोर केवल अब ढोंग कर रहा है ये इसको दिखाने का। ये वाटरफॉल वैन कम आती है और उसको आलोचनाएं करती है ये कहती है कि अब ढोंग कर रहा है पहले सारे गाँव को गंदा कर दिया तूने। मूर्ति डज नॉट फील ऑफेंडेड परंतु मूर्ति जो है नाराज नहीं होता इस बात से फ्रॉम गांधी से। ही हैज लर्न द लेसन ऑफ लव फॉर ऑल कि उसने एक ही शिक्षा सीखी है सभी से प्यार करो एंड हेटेड फॉर नन और किसी के लिए घृणा का कोई स्थान नहीं है। वन डे इन इवनिंग एक दिन शाम की बात है मैनी विलेजर्स कम टू सी हिम काफी सारे गाँव वाले उसको मिलने आते हैं एंड दे रिसाइड भजन बोलते हैं वहाँ पे भजनों का उच्चारण होता है भजनों के गायन होते हैं। द नेक्स्ट डे मूर्ति एंड्स हिज फास्ट अगले दिन जो मूर्ति अपने जो व्रत था अनशन जो था उसको खत्म कर देता है। ही फील्स लाइटर इन हिज सोल्स और इस तरीके से अपनी जो आत्मा के ऊपर बोझ था उसका उसको थोड़ा सा हल्का महसूस करता है। यहाँ तक की बात ये बड़े खान का रोल आया है इसमें भट्टा का भी रोल आया है और मूर्ति वहाँ पे किस प्रकार मतलब स्कैफिंगटन स्टेट के अंदर जिस प्रकार हाथापाई हुई थी दो ग्रुपों के अंदर चोट भी लगी थी वहाँ पर लोगों को और उसके लिए जो है ये अपना अनशन रखता है कि भाई मैंने गलत काम हो गया हम डाइवर्ट्स हो गए थे भटक गए थे मार्ग से परंतु उसके लिए जो अनशन रखता है कमजोर होता जाता है। कुछ लोग वेनकम्मा वाटरफॉल वेनकम्मा जो आई थी उन्होंने इसकी आलोचनाएं भी की हैं बट वो नाराज नहीं होता अपने कदमों से डगमगाता नहीं है और अपने अभियान को ये ऐसे ही जारी रखेगा वो नेक्स्ट पार्ट में अब देखेंगे। इस पार्ट में हम बात करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर का जो फाइनल ईयर का है कंतापुरा यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का राजा राव का लिखा हुआ उसके थर्ड पार्ट में हमारे सेकंड दो पार्ट जो है वो डाल दिए गए हैं। थर्ड पार्ट है कि वो जो अनशन से मूर्ति ने खत्म किया था उसके बाद क्या होता है क्या क्या घटनाएं वहाँ पे घटित होंगी किस प्रकार वो मूवमेंट्स गांधी जी के मूवमेंट्स को चलाएंगे किस किस को जेल में जाना पड़ेगा पुलिस के साथ हाथापाई होगी और लास्ट में काफ़ी कुछ बदलाव आने के बाद में जो गांव के लोग जब उनके ऊपर टैक्स देने से मना कर देते हैं सारे उनको गवर्नमेंट ऑफिसर को तो फिर उनको टॉर्चर किया जाता है यातनाएँ दी जाती हैं उनको पीटा जाता है गाँव को ब्लॉक कर दिया जाता है सारे के सारे अधिकारियों के द्वारा तो फिर अंत में वो गाँव को आग लगा के ही चले जाते हैं गाँव को आग लगा के दूसरे काशीपुरा गाँव है वहाँ पे रहने लग जाते हैं। कुछ बातें आएंगी काफ़ी सारी इसमें वो हम डिटेल में अभी उसकी समरी जो है वो पढ़ लेते हैं। मैनी पीपल नाउ सपोर्ट्स मूर्ति एंड इज मूवमेंट काफ़ी सारे लोग जो है मूर्ति को उसके आंदोलन को समर्थन करने लगे हैं। ही विंस द सपोर्ट ऑफ टू लोकल इन्फ्लुएंसियल मैन कि उसको जो समर्थन है वो दो सहारा मिलता है दो जो प्रभावशाली आदमी गाँव के थे वहाँ के उनका दे आर रंगे गौड़ा एंड पटेल रंगे गौड़ा और पटेल गाँव के मुखिया को कहते हैं। मैनी अदर पीपल्स ज्वाइन हिम काफ़ी सारे लोग उसके साथ शामिल हो जाते हैं रमैया द एल्डर ऑफ द वीवर्स कम्युनिटीज जो जुलाहा समुदाय का जो मुखिया है रमैया वो द एंड सिधैया लीडर ऑफ द पोर्टर कम्युनिटी जो कुम्हार समुदाय का जो मुखिया है सिधैया वो ज्वाइन हिम इसके साथ शामिल हो जाते हैं।
देन मूर्ति गोज टू द पैरियाज क्वार्टर, तब मूर्ति जो है पैरिया के जो क्वार्टर्स हैं, जो स्थान है रहने का, वहां पे जाता है। देयर लीडर रचन्ना इज नॉट एट होम, कि उनका लीडर जो है रचन्ना घर पर नहीं है। हिज वाइफ वेलकम्स हिम, उसकी पत्नी उसका स्वागत करती है। सी इंसिस्ट दैट मूर्ति शुड ड्रिंक ए गिलास ऑफ मिल्क, उसकी पत्नी जो है रचन्ना की जोर देती है कि उसको पानी, उनके घर से एक गिलास दूध का पीना चाहिए। ऑल्दो मूर्ति फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ गांधी, यद्यपि मूर्ति जो है गांधी जी के जो सिद्धांत हैं उनको मानता है, यट बींग ए ब्राह्मण, और फिर भी एक ब्राह्मण होने के नाते ही डज नॉट वॉन्ट टू ड्रिंक एनीथिंग इन हाउस ऑफ पैरिया, वो पैरिया के घर से अनटचेबल मानते हैं इसको, पैरिया कम्युनिटी को ये, तो उसके घर से कुछ भी चीज़ को नहीं पीना चाहता है। बट ही सिप्स द मिल्क विद ट्रैवलिंग हैंड, परंतु जो दूध दिया गया उसको वो पी लेता है, सिप्स होता है पीना, थोड़ा कप कप आते हुए हाथों से पी जाता है। दिस शोज दैट द कास्ट सिस्टम इज डीपली रूटेड इन द माइंड्स ऑफ द इंडियन, इससे ये पता लगता है कि जाति प्रथा जो है बहुत गहराई में जड़ित थी, रूटेड होता है जड़ित होना, इन द माइंड्स ऑफ द इंडियन, भारतीय लोगों के दिमाग में। देन मूर्ति कम्स बैक होम, जब मूर्ति घर वापिस आता है, ही टेक्स ए बाथ विद होली गंगा वाटर, वो पवित्र गंगा के पानी में स्नान करता है, एंड ड्रिंक्स द सेम वाटर, वही पानी पीता है, एंड आफ्टर दैट ही फील्स रिलैक्स एंड फ्रेश, उसके बाद में थोड़ी राहत महसूस करता है और अपने आप को तरोताजा महसूस करता है। इन द इवनिंग मूर्ति टेक्स ए राउंड ऑफ द विलेज, शाम के समय मूर्ति जो फिर गांव का चक्कर लगाता है। ही परस्यूडिड होता है मनाना पीपल्स ऑफ ऑल कम्युनिटी, हर समुदाय के लोगों को मनाता है टू ज्वाइन द कांग्रेस में शामिल होने के लिए। रचन्ना मदन्ना लिंगैया एंड अदर्स एग्री टू फॉलो हिम, ये सभी जो है दूसरे भी उसके साथ, ये रचन्ना मदन्ना लिंगैया और दूसरे भी उसके साथ आने में सहमत हो जाते हैं। द नेक्स्ट डे ए मीटिंग इज हेल्ड इन द विलेज, अगले दिन गांव में एक सभा की जाती है टू इलेक्ट द मेंबर ऑफ कंथापुरा कांग्रेस कमेटी, जो कंथापुर कांग्रेस कमेटी उन्होंने बनाई थी उसके सदस्य को चुनने के लिए। मूर्ति इज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, उस कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जो मूर्ति को चुना जाता है। रंगे गौड़ा इज इलेक्टेड द प्रोटेक्टर, जो संरक्षक बनाया जाता है वो रंगे गौड़ा को बनाया जाता है। 23 मेंबर्स आर आल्सो इलेक्टेड, 23 सदस्यों को और चुना जाता है। इन दिस वे कंथापुरा कांग्रेस कमेटी इज फॉर्म, इस तरीके से कंथापुर कांग्रेस कमेटी का निर्माण होता है। नाउ दे आल बिगेंस टू स्पिन मोर एंड मोर, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा सूत कातना शुरू कर देते स्पिन से, एंड बोथ मैन एंड वुमेन्स, की आदमी और औरतें स्टार्ट वियरिंग खादी क्लॉथिस, खादी के कपड़े पहनना स्टार्ट कर देते हैं। भट्टा इज इन्फ्लुएंशियल मैन ऑफ द विलेज, भट्टा जो है वो गांव का एक प्रभावशाली आदमी माना जाता है। ही अपोज द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस कमेटी, वो विरोध करता है कांग्रेस कमेटी के निर्माण करने का, बनाने का। ही नोज दैट मूर्ति इज रिस्पेक्टेड एंड ओनर्स बाय द पीपल ऑफ द विलेज, कि वो जानता है कि मूर्ति का बहुत सम्मान है गांव के अंदर, गांव के लोग इसकी बहुत इज्जत करते हैं। भट्टा इस मनीलेंडरी साहूकार है, पैसे उधार देता है ब्याज पे, ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। ही डिसाइड टू चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम दोज हु फॉलो मूर्ति, और वो निर्णय करता है कि जो आदमी गांव के मूर्ति का अनुकरण करेंगे, मूर्ति के रिस्पेक्ट करेंगे, उसके अनुयायी होंगे, उनसे ज्यादा ब्याज दर वो चार्ज करेगा, ये सभी को बोल देता है वो भट्टा। ही मेक्स ए प्लान टू ब्रेक द कांग्रेस कमेटी, वो योजना बनाता है कांग्रेस कमेटी को तोड़ने की। ही नोज दैट वाटरफॉल वेनकम्मा हैज ए डॉटर, वो जानता है कि वाटरफॉल वेनकम्मा की एक बेटी है ऑफ मैरिजेबल एज, उसकी शादी लायक उम्र होगी उसकी बेटी की। ही ऑफर्स टू अरेंज हर डॉटर रंगास मैरिज विद एडवोकेट सिनप्पा हुज वाइफ हैज डाइड, कि वो कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी की शादी, रंगा की शादी, बेटी रंगा की शादी जो है एक वकील सिनप्पा से करवा दूंगा हुज वाइफ हैज डाइड, जिसकी पत्नी मर चुकी है। द वुमेन ऑफ द विलेज आर हैप्पी, गांव की औरतें बड़ी खुश हो जाती हैं। बट ऑन द डे ऑफ मैरिज, परंतु शादी के दिन देवर डिसअपॉइंटेड, सभी को निराशा झेलनी पड़ती है। दे फाउंड दैट द ब्राइड ग्रूम इज ए मिडल एज मैन, उन्होंने जब देखा कि जो दूल्हा था वो मध्य उम्र का आदमी था। बट रंगास फैमिली इज हैप्पी, परंतु रंगा का परिवार प्रसन्न था इस बात से भी। नेक्स्ट मूर्ति इज अरेस्टेड, फिर मूर्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वन नाइट, एक रात की बात है, द पुलिस कम्स टू कन्हैयास हाउस टू अरेस्ट, मूर्ति को गिरफ्तार करने के लिए कन्हैया के घर पे पुलिस आती है। व्हेन द न्यूज स्प्रेड्स ए लार्ज नंबर ऑफ विलेजर गैदर देयर, जब ये समाचार फैल जाता है गांव में तो बहुत से गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। द पुलिस इंस्पेक्टर आस्क बड़े खान टू बाइंड मूर्ति, पुलिस इंस्पेक्टर बड़े खान को कहता है कि मूर्ति को बांध दें। रचन्ना रिक्वेस्टेड द पुलिस नॉट टू बाइंड हिज मास्टर, कि रचन्ना जो है प्रार्थना करती है पुलिस से कि इसके उनको ना बांधे। द पुलिस थ्रेटन्स टू बीट हिम, पुलिस धमकी देती उसको पीटने की। बट ही शाउटेड महात्मा गांधी की जय, परंतु वो नारे लगाता है। द पुलिस अरेस्ट हिम, पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। द क्राउड आल्सो स्टार्ट शाउटिंग दिस स्लोगन, और भीड़ भी जो है ये नारे लगाना शुरू कर देती है। नाउ द पुलिसमैन कम फॉरवर्ड एंड स्टार्टेड बीटिंग पुलिस विद लाठी, अब पुलिस वाले
कब फॉरवर्ड आगे आते हैं, स्टार्टेड बीटिंग पुलिस विद लाठी से, पुलिस वाले इनको पीटना शुरू कर देते हैं। बट द स्लोगन शाउटिंग कंटिन्यू, परंतु वो लगातार नारे लगाते रहते हैं। मूर्ति रिक्वेस्ट द क्राउड टू रिमेन पीसफुल, मूर्ति जो है प्रार्थना करता है भीड़ से कि भाई शांत रहें एंड फॉलो गांधीज आइडियल और गांधी जी के आदर्शों को माने। पुलिस इंस्पेक्टर स्लैप मूर्ति, पुलिस इंस्पेक्टर जो थप्पड़ मारता है मूर्ति को, स्लैप में थप्पड़ मारना। नाउ द क्राइड इज इनरेक्ट, होता है क्रोधित हो जाना। अब वो थप्पड़ मारने के बाद में भीड़ और ज्यादा गुस्से हो जाती है। दे अटैक द पुलिस मैनों पे, आक्रमण कर देते पुलिस वालों पे। द पुलिस बीट दैम मर्सीफुल मर्सीलेसली, कि बड़ी निर्दयता से पुलिस जो उनको पीटती है। इवन वुमेन चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल वर बीटन, यहाँ तक आदमी औरत और बच्चों को भी पीटा जाता है। 17 पीपल वर अरेस्टेड, 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। द पीपल वर रिलीज द नेक्स्ट डे, अगले दिन उनको रिलीज कर दिया जाता है, मीन छोड़ दिया जाता है। बट मूर्ति इज टेकन टू कारवार, परंतु मूर्ति को जो कारवार पुलिस स्टेशन ले जाता है, इट क्रिएट ए वेव ऑफ एंगर इन द पीपल, लोगों में एक गुस्से की लहर फैल जाती है। मैनी एडवोकेट कम्स टू मीट मूर्ति इन द पुलिस लॉकअप, पुलिस लॉकअप में जब मूर्ति बंद था, बहुत से वकील उसको मिलने के लिए आते हैं। दे मेक ए डिफेंस कमेटी उसके पक्ष में, बचाव में जो कमेटी बनाते हैं टू फाइट मूर्तिज केस, मूर्ति का मुकदमा लड़ने की। फंड आर कलेक्टेड, पैसे इकट्ठे किए जाते हैं फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए। बट मूर्ति हैज़ नो फेथ इन द कोर्ट ऑफ वाइट मैन, परंतु मूर्ति का महात्मा गांधी की तरह कोई विश्वास नहीं है अंग्रेजों के न्यायालय में। सो ही रिफ्यूजेज टू गेट एनी हेल्प, तो मना कर देता कोई भी सहायता लेने से। ही सेज दैट गांधी हैज शोन द पाथ दैट ट्रूथ इज गॉड एंड गॉड विल श्योरली हेल्प हिम, कि गांधी जी ने एक ही रास्ता दिखाया है। ट्रूथ इज गॉड, सच्चाई ही भगवान, एंड गॉड विल श्योरली हेल्प हिम, और भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करेंगे। द कांग्रेस वॉलेंटियर अरेंज ए बिग पब्लिक मीटिंग इन द गांधी मैदान, की कांग्रेस के जो वॉलेंटियर थे, जो अपनी मर्जी से स्वेच्छाचारी अपनी मर्जी से काम करने वाले, वो एक बहुत बड़ी सभा का प्रबंध करते हैं गांधी मैदान में। द एटमोस्फियर इज फुल ऑफ स्लोगन, वातावरण में हर जगह नारे ही नारे थे, महात्मा गांधी की जय। स्पीकर एट द मीटिंग इंसिस्ट ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जो भी बोल रहे थे मीटिंग के अंदर वक्तागण, वो हिंदू मुस्लिम एकता पर नारे लगा रहे थे, बोल रहे थे, जोर दे रहे थे। एंड ज्वाइंट एफर्ट टू फाइट द ब्रिटिश, और मिलकर प्रयास करने की बातें कर रहे थे अंग्रेज लोगों से लड़ने की। दे आल्सो टॉक अगेंस्ट द इवल ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछात की जो बीमारी है, इवल बुराई है, उसके बारे में भी उन्होंने बातें की। एंड ओल्ड मैन गेट्स अप एंड सेज दैट मूर्ति हैज पोल्यूटेड द विलेज बाई मिक्सिंग्स विद द लोअर कास्ट, एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है और कहता है कि मूर्ति ने सारे के सारे गाँव को, मूर्ति हैज पोल्यूटेड द विलेज, गाँव को प्रदूषित कर दिया, गंदा कर दिया है बाई मिक्सिंग विद द लोअर कास्ट, निमन जाति के लोगों के साथ मिलकर। पीपल साउट दैट ही इज द गवर्नमेंट एजेंट, लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि सरकारी एजेंट है ये। एडवोकेट रंगम्मा गेट्स अप एंड रिक्वेस्ट पीपल टू फॉलो द पाथ ऑफ शोन बाई गांधी। एडवोकेट रंगम्मा जो है वो खड़े होते हैं और प्रार्थना करते हैं लोगों से कि जो गांधी जी ने रास्ता दिखाया है उसका पालन करें। ही इज अरेस्टेड बाय द पुलिस, उसे गिरफ्तार कर लेती है। देन द पुलिस यूजेस लाठीज एंड डिस्प्रेस द क्राउड, और तब पुलिस जो है लाठी चार्ज कर देती है, और डिस्प्रेस होता है तितर बितर कर देना, इधर उधर कर देना, भीड़ को बिखेर देती है। द पीपल ऑफ द विलेज कम्स टू नो दैट भट्टा इज गवर्नमेंट एजेंट, गाँव के लोगों को पता लग जाता है कि भट्टा जो सरकारी एजेंट है। ही वॉज नॉट सीन एनी वेयर ऑन द नाइट ऑफ मूर्तिज अरेस्ट, जिस रात को मूर्ति को गिरफ्तार किया गया था वो कहीं पे दिखाई नहीं दिया। ऑन द अदर दूसरी तरफ ही वॉज सीन इन द कंपनी ऑफ बड़े खान के साथ, उसे घूमते हुए देखा गया। एडवोकेट शंकर इज द सेक्रेटरी ऑफ द कारवार, कांग्रेस कमेटी का जो एडवोकेट शंकर थे वो सेक्रेटरी सचिव थे। एडवोकेट शंकर जो है इज द सेक्रेटरी सचिव थे वो कारवार कांग्रेस कमेटी के। ही ऑर्गेनाइज ए नंबर ऑफ मीटिंग्स इन फेवर ऑफ मूर्ति के पक्ष में, काफी सारी सभाएं की जाती हैं। और यद पे लेटर इट इज हियर, ये सुना जाता है दैट मूर्ति हैज बीन सेंटेंस टू 3 months रिगोरियस इंप्रिजनमेंट, की मूर्ति को 3 महीने की कठोर सजा दी जाती है। रिगोरियस इंप्रिजनमेंट होता कठोर सजा जिसको कह रहे हैं। पीपल बिकेम सैड, लोग उदास हो जाते हैं। होल्ड ए फास्ट ऑन दैट डे, और उस दिन अनशन करते हैं, व्रत रखते हैं, अनशन करना। वन डे रामा कृष्ण या डाइस, एक दिन रामा कृष्ण या मर जाते हैं। एंड रंगम्मा विशेज टू टेक हिज एसिस टू काशी, और रंगम्मा जो है वो इच्छा जाहिर करती है कि उसकी अस्थियों को काशी ले जाने की। द विलेजर डू द क्रीमेशंस प्रोसेस एंड प्रे हेवंस फॉर डिपार्टेड सोयल, गांव वाले जो है अंत्येष्टि कर देते हैं, मतलब उसके जो भी क्रियाक्रम है वो कर देते हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसकी जो आत्मा को शांति मिले, उसकी आत्मा की शांति के लिए वो प्रार्थना करते हैं। रामाकृष्णय्या वाज ए लर्न्ड एंड रिलीजियस मैन, जो मरे हैं वो रामाकृष्णय्या, वो बड़ी विद्वान और शिक्षित आदमी थे। ही यूज्ड टू टीच पीपल्स विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदांतिक टेक्स्ट, जो वेदों की किताबें थी उनको ही यूज्ड टू टीच, वो लोगों को पढ़ाते थे
वर्णन करते थे, पूरा का पूरा समझाते थे वेदांतिक किताबों को। बट आफ्टर हिज डेथ, परंतु उनकी मौत के बाद में रनगम्मा टेक अप हिज वर्क, उनका काम जो उनकी बेटी रनगम्मा ले लेती है। रनगम्मा हैज ग्रोन अप क्वाइट लर्न्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हर स्टे इन द सिटी। रनगम्मा जो काफी पढ़ी लिखी है, काफी से उसका परिणाम ये कि वो काफी दिन शहर में रुकी थी, इस वजह से उसको बहुत नॉलेज है। सी हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ द वुमन ऑफ द विलेज, सी हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस, उसका बहुत प्रभाव है गांव की औरतों के ऊपर। सी ऑर्गेनाइज ए वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड सेविका संघ, वो एक सेविका संघ नाम के एक संगठन की रचना करती है। वॉलेंटियर होता है स्वेच्छा, अपनी मर्जी से काम करने वाली। रनगम्मा टेल्स वुमेन, रनगम्मा जो औरतों को बताती है ऑफ द विलेज गांव की, द स्टोरी ऑफ द ब्रेवरी ऑफ वुमेन्स लाइक रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई झांसी की कहानियां, बहादुरी की कहानियां वो सुनाती है। सियाल्टो टेल्स द स्टोरी ऑफ राजपूत क्वीन, राजपूत जो रानियां थी उनकी कहानियां भी बहादुरी की सुनाती है। हु बर्न देमसेल्फ रादर देन सरेंडर देमसेल्फ टू द एनिमी, जिन्होंने अपने आप को जला लिया था दुश्मन को सुपर्द करने की बजाय, सरेंडर होता आत्मसमर्पण करने की बजाय, उन्होंने अपने आप को आग लगा ली थी। She tells them about freedom fighters, कि वो जो स्वतंत्रता सेनानी होते रही हैं उनके बारे में भी बातें करती है। लाइक एनी बेसेंट, कमला देवी, सरोजनी नायडू, हर प्रीचिंग्स क्रिएटेड ए वेक ऑफ अवेकनिंग, उनके जो उपदेश देना, प्रीचिंग क्रिएटेड ए वेक ऑफ अवेकनिंग, एक प्रकार की जागृति पैदा कर दी अमंग द वुमेन, औरतों के बीच में। इन द बिगनिंग, शुरू में तो मैन अपोज देम, आदमियों ने उनका बहिष्कार किया, विरोध किया, देफियन को डर था दैट देयर वाइव्स विल नेगलेक्ट देयर हाउस होल्ड ड्यूटी, की औरतें जो घर का काम नहीं करेंगी, नेगलेक्ट मीन उपेक्षा करेंगी, घर के काम में ज्यादा ध्यान नहीं देंगी अगर इनके आंदोलन में आएंगे तो। बट सून दे आल्सो सपोर्टेड अ वुमन, परंतु शीघ्र ही वो भी समर्थन करने लगे थे औरतों का। द मैन ऑफ द विलेज डिसाइड टू ऑर्गेनाइज भजन पार्टी इन द टेम्पल, कि जो आदमी थे उन्होंने गांव के में निर्णय किया टू ऑर्गेनाइज भजन पार्टी करवाने का, मंदिर के अंदर एक पार्टी करवाने का गांव के आदमियों ने निर्णय लिया था। नेक्स्ट पार्ट में, इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर द राइटर डिस्क्राइब द रेनी सीजन, यहाँ पे बारिश के मौसम की कुछ घटनाएं बताएंगे। पीपल स्टार्ट द सोइंग ऑफ द फील्ड, लोग जो अपने खेतों को बोना शुरू कर देते हैं। बिफोर द पूजा इज अरेंज्ड इन द टेम्पल, उससे पहले फसल बोने से पहले जो है पूजा का प्रबंध किया जाता है, पूजा की जाती है। कोकोनट्स आर ब्रोकन एंड द गुडेसिस इज गार्लैंडेड, नारियल तोड़े जाते हैं और देवी को माला चढ़ाई जाती है। देन द न्यूज कम्स दैट मूर्ति इज गोइंग टू बी रिलीज सून, तब समाचार आ जाता है कि मूर्ति को शीघ्र ही छोड़ा जा रहा है। देर इज ए ग्रेट जॉय, बहुत ज्यादा खुशी है, इंथुजियाज्म, जोश एंड एक्साइटमेंट, उत्तेजना है इन द विलेज गांव में। दे मेक प्लान्स टू वेलकम मूर्ति लाइक ए हीरो, एक नायक की तरह वो मूर्ति का स्वागत करने की योजना बनाते हैं। बट वाटरफॉल वेनकम्मा डज नॉट वॉन्ट मूर्ति शुड बी ट्रीटेड लाइक ए हीरो, परंतु वाटरफॉल वेनकम्मा जो नहीं चाहती है कि मूर्ति का एक हीरो के रूप में स्वागत किया जाए। सी मेक्स ए प्लान टू स्पॉइल द शो, वो योजना बनाती है सारे के सारे उनको शो को खराब करने की। सो सी गेट्स द मैरिज ऑफ हर डॉटर फिक्स अप फॉर द सेम इवनिंग, तो अपनी बेटी की शादी जो है उसी शाम को निर्धारित कर देती है जिस शाम को उसको जेल से रिलीज करना था, छोड़ना था। ऑल द ब्राह्मण्स वर इन्वाइटेड टू द मैरिज फिक्स, के सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाता है मैरिज शादी के भोज में। ए बिग पंडाल इज इरेक्टेड, होता है खड़ा करना टू वेलकम मूर्ति का स्वागत करने के लिए, एक बड़े से पंडाल, बड़ा पंडाल लगाया जाता है। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स गैदर देयर टू वेलकम हिम, बहुत से लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं उसका स्वागत करने के लिए। बट मोस्ट ऑफ द ब्राह्मण्स वर मिसिंग फ्रॉम द क्राउड, परंतु अधिकतर ब्राह्मण जो है भीड़ से गायब थे। रनगम्मा एंड रत्नास आर देयर विद ए फ्यू अदर ब्राह्मण, रनगम्मा और रत्ना और दूसरे कुछ ब्राह्मण उनके साथ जरूर थे। बट मूर्ति डज नॉट कम, परंतु मूर्ति नहीं आता है। एंड द एटमोस्फियर इज फुल ऑफ सस्पेंस, और संदेह की स्थिति वहां पर पैदा हो जाती है। देन दे कम टू नो, तब उन्हें पता लगता है दैट मूर्ति हैज बीन ब्रोट, की मूर्ति को लाया जा चुका है फ्रॉम अनदर रूट, दूसरे मार्ग से। एंड नाउ ही इज एट रनगम्मा रूम, और वो रनगम्मा के कमरे में है। पीपल रस देयर, लोग दौड़कर वहां पर जाते हैं। बट द पुलिस हैज कॉन्डम्स या सेंडर्स आएगा, इनगल्फ कर दे, सराउंडेड कर दे, यहाँ पे सराउंडेड आएगा। परंतु पुलिस ने सारे के सारे एरिया को घेरा हुआ था, ये तो कॉन्डम्स मैंने माफ करना होता है, बट यहाँ पे पीपल्स रस देयर, लोग वहां दौड़कर जाते हैं। बट द पुलिस हैज सराउंडेड द एरिया, पुलिस ने सारे एरिया को, क्षेत्र को घेर लिया था, यहाँ सराउंडेड यूज किया जाएगा। पीपल स्टार्ट शाउटिंग वंदे मातरम एंड महात्मा गांधी की जय, लोग नारे लगाना शुरू कर देते हैं वंदे मातरम, महात्मा गांधी की जय। द सिचुएशन बिकेम टेंस, स्थिति जो है तनावपूर्ण हो जाती है। बट रनगम्मा एडवाइसी देम, परंतु रनगम्मा उनको सलाह देती है टू रिमेन पीसफुल, शांत रहें। पीपल फॉलो हिज एडवाइस, लोग जो उनकी बात को मानते हैं। एंड रिटर्न टू देयर होम्स, हाउसेज, अपने घर वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली प्रातः मूर्ति सीन एट द रिवर, मूर्ति को नदी के किनारे पर देखा जाता है।
मूर्ति टेल्स द पीपल ऑफ द विलेज दैट महात्मा गांधी इज ऑन ए पिलग्रिमेज टू डांडी बीच. तब महात्मा मूर्ति जो है गांव के लोगों को बताता है कि महात्मा गांधी जो है एक तीर्थ यात्रा कर रहे हैं टू डांडी बीच की, डांडी समुद्र तट पर. ही इज विद ए स्मॉल ग्रुप ऑफ फॉलोअर, उनके साथ में कुछ छोटा सा समूह लोगों का जाता है जाएगा. एट द बीच के ऊपर गांधी एंड हिज फॉलोअर विल ब्रेक द साल्ट लॉ, कि बीच के ऊपर तट के ऊपर जाके गांधी और उसके अनुयायी जो है नमक कानून को तोड़ेंगे. मूर्ति कीप्स द पीपल इन्फॉर्म्स, लोगों को बताता रहता है अबाउट द एक्टिविटी ऑफ गांधी जी की सभी गतिविधियों के बारे में. ही टेल्स देम दैट बिफोर ब्रेकिंग द साल्ट लॉ, कि नमक कानून तोड़ने से पहले गांधी मूव्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज, गांधी जो है गांव गांव गए एंड आस्क पीपल, लोगों से कहा टू फॉलो हिम, उसका अनुकरण करें. मूर्ति आल्सो आस्क देम टू फॉलो द पाथ शोन बाय गांधी, मूर्ति जो है सभी लोगों से कहते हैं कि जो गांधी जी ने रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पर चलें. Then the news comes that Gandhi reached Dandi. तब समाचार आता है कि गांधी जी डांडी पहुंच गए हैं and prepared a handful of salt, और उन्होंने एक मुट्ठी भर नमक तैयार किया वहां पर. The people made a cart load of salt and carried it away. लोगों ने वहां पर एक गाड़ी भर के जो है नमक बनाया और उसको ले गए. Then the police arrested Mahatma Gandhi along with his follower. तब पुलिस ने महात्मा गांधी और उसके अनुयायियों को गिरफ्तार कर लिया. The news created a lot of stir among the people. इस समाचार से बहुत सी हलचल लोगों के बीच में हो जाती है. मूर्ति हैज ऑलरेडी टोल्ड द विलेजर, मूर्ति जो पहले ही गांव वालों को बता चुका था टू बी रेडी टू फेस द लाठी ऑफ द पुलिस, पुलिस की लाठी खाने के लिए तैयार रहें. बट ही इंसिस्टेड दैट द होल कंपेन विल रिमेन पीसफुल एंड नॉन वायलेंट, परंतु वो जोर देते हैं मूर्ति की सारा का सारा कंपेन होता अभियान, सारा का सारा अभियान हमारा पीसफुल शांतिपूर्वक रहेगा और नॉन वायलेंट, अहिंसा मतलब कोई भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं की जाएगी इसके अंदर. अब यहाँ पे कंपेन जो एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था गांधी जी ने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, इस गांव के लोगों का क्या रोल रहेगा. एट लास्ट द कॉल फॉर एक्शन कम्स फ्रॉम महात्मा गांधी की तरफ से, कॉल ऑफ एक्शन आ जाती है मतलब काम पे लग जाओ अपने. ही लॉन्चेस द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था. टैक्सेस आर नॉट टू बी पेड, सबसे पहले गांधी जी ने यह कहा था कोई भी टैक्स अंग्रेजों को नहीं देगा. ए पैरेलल गवर्नमेंट इज एस्टेब्लिश, एक समानांतर सरकार जो स्थापित कर दी जाती है. रंगे गौड़ा इज अपॉइंटेड एज ए पटेल हेड ऑफ द विलेज कम्युनिटी, अब समानांतर सरकार वहां पे गांव में बना दी गई इन्होंने, तो रंगे गौड़ा का वहां पे पटेल मुखिया चुन दिया गया गांव की कमेटी का. इट इज डिसाइडेड दैट देयर वुड बी ए धरना पिकटिंग एट बोरोना टोडी ग्रुप, ये निर्णय किया जाता है कि धरना दिया जाएगा बोरोना टोडी ग्रुप पे के शराब की जो दुकानें हैं बाग है वहां पर, वहां पे बिकॉज टोडी देसी वाइन कहा जाता है इसको, इज एन इवल की शराब जो है टोडी वो एक बुराई है. मूर्ति रिक्वेस्ट देम दैट द धरना वुड बी पीसफुल, मूर्ति जो उनको प्रार्थना करता है धरना शांतिपूर्वक रहेगा. ऑन द फिक्स डे 139 पीपल बिगेन देयर मार्च टू द टोडी ग्रुप, जिस दिन जो दिन निर्धारित किया गया था उस दिन 139 आदमी जो है मार्च करते हैं, आगे बढ़ते हैं टोडी ग्रुप की तरफ जहां पे वो भाग था शराब का. There were men, women and children in the crowd. भीड में आदमी और तो और बच्चे सभी थे. When they reached there, जब वो वहां पहुंचते हैं, the policeman surrounded them from all side. पुलिस वाले उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं. The police inspector warns them that their entry into the group. पुलिस इंस्पेक्टर जो उनको चेतावनी देता है कि उनका जो प्रवेश है ग्रुप के अंदर बाग के अंदर will be illegal, ये गैर कानूनी होगा. मूर्ति tells him that he will continue the march. मूर्ति उन्हें कहता है कि वो लगातार अपना कदम आगे बढ़ाता चलेगा, आगे बढ़ता जाएगा. मूर्ति और रंगे गौड़ा इंटर्स द ग्रुप फोर्सेबली, मूर्ति और रंगे गौड़ा जबरदस्ती उस बाग में घुस जाते हैं टोडी ग्रुप के अंदर. रचन्ना क्लाइम्स ए नियर बाई ट्रीज एंड शाउट, रचन्ना जो है पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है पास में, शाउट चिल्लाता है महात्मा गांधी की जय, नारे लगाना शुरू कर देता है. द पुलिस मैन स्टार्ट बीटिंग डैम विद लाठी, पुलिस वाले उन्हें लाठियों से पीटना शुरू कर देते हैं. बट द क्राउड मूव ऑन, परंतु भीड़ आगे बढ़ती जाती है. इन ऑर्डर टू रिप्लाई देयर लाठी, उनकी लाठियों का जवाब देने के लिए पीपल्स ब्रोक द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, लोग पेड़ों की टहनियां तोड़ लेते हैं. द पुलिस यूज ग्रेटर फोर्स, पुलिस जो और ज्यादा ताकत का प्रयोग करती है. देयर आर शाउट्स एंड क्राइस एवरीवेयर, हर जगह पर चीखे आती हैं, चिल्लाते हैं लोग. दे ट्राई टू ड्रैग पीपल डाउन फ्रॉम द ट्रीज, कोशिश करते हैं लोगों को पेड़ों से नीचे घसीटने की. फाइनली मोस्ट ऑफ देम आर अरेस्टेड, अंत में अधिकतर को गिरफ्तार कर लिया जाता है एंड टेकन टू कारवार पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है. रचन्ना लिंगैया सिद्धैया वर पुट इन टू द लोकअप, इन सबको लोकअप में डाल दिया जाता है. द अदर पीपल्स आर टेकन टू थ्री डिफरेंट डेस्टिनेशन, दूसरे लोगों को तीन अलग अलग स्थानों पर ले जाया जाता है. दे आर लेफ्ट एट डिफरेंट प्लेसेज, अलग अलग स्थानों पर उनको छोड़ दिया जाता है एंड हैव टू वॉक बैक ऑन फुट, उनको वापिस जो है दूर दूर छोड़ देते हैं उनको और वापिस पैदल आना पड़ता है. दे रीच कंथापुर एट नाइट, कंथापुर रात को पहुंचते हैं.
दे आर गिवन ए हाई वेलकम, उनका बहुत ज्यादा एक हीरो की तरह वहां पर स्वागत किया जाता है। बाकी का पार्ट जो है वो नेक्स्ट के अंदर डालेंगे और एक वीडियो जो है इकट्ठी करके इन सभी पार्ट की वो डाल दी जाएगी, आप इकट्ठे भी एक जगह पे उसको देख सकते हैं। अभी क्या होगा आगे, और लड़ाई जो है ज्यादा तेज हो गया, अग्रेसिव हो जाएंगे ये लोग, अभी तो लाठी चार्ज हुए यहाँ पे, और भी कई बार लाठी चार्ज होंगे, आदमी भी मरेंगे इसके अंदर, परंतु ये हार नहीं मानते हैं, अपने आंदोलन को लगातार जारी रखते हैं और इसी अब टैक्स नहीं देंगे ये, अब इनके गांव को घेरा जाएगा, वो बातें अभी नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। अब पिछले पार्ट में इसमें हमने चर्चा की थी भी किस तरीके से वो टोडी ग्रुप की तरफ मार्च करते हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज होता है, किस तरीके से किन किन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कुछ लोगों को वहां से पकड़ के ले जाते हैं, उनको रात को रिलीज कर देते हैं, वो पैदल गांव में आते हैं, ये सारी बातें होती हैं। और अब आगे जो है ये गांधी जी का कंपेन जो है कंथापुरा के अंदर, ये लगातार वो जारी रखेंगे और उनकी जो झड़पें पुलिस के साथ होती रहेंगी, मारपीट होती रहेगी, पुलिस गिरफ्तार करती रहेगी, उनको यातनाएं देती रहेगी, मंदिर के अंदर औरतों को रोक दिया जाएगा, काफी सारी बातें आएंगी। अभी वो निष्कर्ष में हम पहुंच जाते हैं लास्ट में, फोर्थ पार्ट में कंधापुरा के ये सारे के सारे यूनिवर्सिटीज ऑफ हरियाणा है उनके अंदर दिया गया है, राजा राव का लिखा हुआ लेसंस है, और लास्ट पार्ट में हम आए हुए हैं अब इसके, और जो क्वेश्चन से बचते हैं तो कुछ करेक्टर्स को हम कोशिश करेंगे, करेक्टर्स के जो जरूर क्वेश्चन इसके अंदर डाले जाएंगे। द कांग्रेस पार्टी इज अगेंस्ट ड्रिंकिंग इन पब्लिक, की कांग्रेस पार्टी जो है शराब पीने के, जनता के बीच में शराब पीना जो है वो ठीक नहीं है, उसका विरोध करती थी। On Tuesday, a large number of coolies workers comes to the gate of Skeffington estate for drink, coffee estate for drinking. मंगलवार के दिन अंदर के जो वर्कर थे, कुली जो काम करते थे अंदर, वो मंगलवार को स्कैफिंगटन स्टेट के जो कुली थे कॉफी स्टेट के, वो शराब पीने के लिए बाहर आते थे। So this day is selected for offering सत्याग्रह in front of the टोडी बूथ, तो उसी दिन को चुना गया कि टोडी बूथ के सामने, शराब के जो बूथ है उसके सामने जो सत्याग्रह किया जाएगा, एंड प्रिवेंट कुली फ्रॉम ड्रिंकिंग, और कुलियों को शराब पीने से रोका जाएगा। मूर्ति गैदर 77 सत्याग्रह फॉर दिस पर्पज, मूर्ति जो इस उद्देश्य के लिए 77 जो लोगों को सत्याग्रह जिसको हम कहते हैं इकट्ठा करता है। एज द स्टार्ट देयर मार्च, जैसे ही वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल फॉलो देम, बहुत से लोग उनके साथ चलना शुरू कर देते हैं। It start raining and people consider it is a good sign. और तभी बारिश शुरू हो जाती है, लोग समझते हैं कि बहुत अच्छे लक्षण है ये। As they reach Skeffington estate में जैसे ही वो पहुंचते हैं and are close to the टोडी बूथ के नजदीक वो जैसे ही जाते हैं, they are surrounded by police from all side, चारों तरफ से पुलिस उन्हें घेर लेती है। मूर्ति ask his volunteer to sweat before the टोडी बूथ, मूर्ति जो है अपने volunteer से कहता है, अपने जो सत्याग्रही थे उनसे कहता है टू स्वेट, चौकड़ी मार के बैठ जाए टोडी बूथ के सामने, so that the coolies cannot enter, ताकि coolies जो है उसके अंदर टोडी बूथ के अंदर प्रवेश ना करें, वहीं चौकड़ी मार के बैठ जाओ। पुलिस ऑर्डर द coolies टू अटैक द सत्याग्रही, पुलिस जो है पहले कुलियों को आदेश देती है कि सत्याग्रहियों पर आक्रमण कर दे जो आपको टोडी बूथ में प्रवेश करने से मना कर रहे हैं, बट दे रिफ्यूज टू डू सो, परंतु कुली ऐसा करने से मना कर देते हैं। देन द पुलिस स्टार्ट बीटिंग्स बोथ द coolies एंड द डेमोन्स्ट्रेटर, तब पुलिस जो दोनों को, कुलियों को भी और जो सत्याग्रही थे डेमोन्स्ट्रेटर थे प्रदर्शनकारी, उनको पीटना शुरू कर देती है। इन रिप्लाई द क्राउड शाउट फियरसेवली, महात्मा गांधी की जय, और भीड़ जो है चिल्लाती है, फियरसेवली होता गुस्से में, बहुत क्रोध से महात्मा गांधी की जय के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। द पुलिस इंस्पेक्टर इज फ्यूरियस, जो पुलिस इंस्पेक्टर वो गुस्से हो जाता है, ही ऑर्डर द पुलिसमैन टू बीट पीपल ब्रूटली, कि ऑर्डर दे देता पुलिस वालों को इनको जानवरों की तरह पीटो। रनगम्मा शाउट्स वंदे मातरम, गिव इंस्ट्रक्शंस टू ऑल टू लाई डाउन, के रनगम्मा जो चिल्लाता है वंदे मातरम की जय, और सभी को निर्देश देता कि नीचे लेट जाएं। It is raining heavily, भारी बारिश हो रही है, and the police feel helpless, और पुलिस जो है कुछ नहीं कर पाती, ऐसा है महसूस करती है। They kick the people, वो लोगों को ठोकरे मारते हैं, and pull women by their hairs, औरतों को बालों से पकड़ कर घसीटते हैं। But the people did not attack the police, परंतु लोग जो है पुलिस पे आक्रमण नहीं करते हैं। As a result of लाठी चार्ज के परिणाम स्वरूप, people train हाइदर दाइदर के लोग जो इधर उधर भागते हैं। Many coolies were shouting, काफी सारे coolies चिल्ला रहे थे, By Kanchamma's grace, we will not drink wine in future, की कंचम्मा देवी के अनुकृपा से हम कभी भविष्य में शराब नहीं पिएंगे, वो अपने आप ही चिल्लाने लग गए हैं। The सत्याग्रही faced the brutalities of the police, peacefully सत्याग्रही जो उन अत्याचारों का, पुलिस के अत्याचारों का, मतलब जानवरों के जो पिटाई की जानवरों की तरह सामना करते हैं शांति से। दे आर अरेस्टेड, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, एंड टेकन अवे टू एन अननोन डेस्टिनेशन, और उसे उन्हें अनजान स्थान पर, लक्ष्य पर ले जाया जाता है। दे वर लेफ्ट देयर, वहां उनको जाकर छोड़ देते हैं। मूर्ति इज नॉट अरेस्टेड, मूर्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, एंड दे आल कम बैक टू कंथापुर, सभी कंथापुर में वापिस आ जाते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग
अगले दिन मैंने कुलीज लीव द स्कैफिंगटन कॉफी स्टेट, काफी सारे कुलीज वर्कर जिनकी वजह से सत्याग्रह का झगड़ा हुआ था पुलिस के साथ में, टोडी ग्रुप पे जो धरना देने गए थे वो वहां से छूट गई आ जाते हैं वो, टू लिव इन द पैरिया स्ट्रीट ऑफ कंथापुरा, कंथापुर में पैरिया गली के अंदर रहने के लिए, मोहल्ले में वो रहने के लिए आ जाते हैं। द सक्सेस ऑफ सत्याग्रही एट बैरोना टोडी बूथ के, बैरोना के जो टोडी बूथ पे जो सत्याग्रह की जीत हुई थी, इनक्रेज पीपल लोग प्रेरित हुए एंड एज ए रिजल्ट इसके परिणाम स्वरूप 26 टोडी बूथ आर क्लोज डाउन अराउंड कंथापुरा, कंथापुर के चारों ओर जो 26 टोडी के बूथ जो थे शराब की दुकानें वो बंद कर दी गई। मूर्ति रेपुटेशन एज ए लीडर इंक्रीज, इस तरीके से मूर्ति की जो सम्मान था लीडर के रूप में, एक नेता के रूप में, वो बढ़ा एंड बिकम फेमस एवरीवेयर, हर जगह पर वो प्रसिद्ध हो गया था। द सत्याग्रही हु वर अरेस्टेड ड्यूरिंग द डेमोस्ट्रेशन आर नाउ रिलीज फ्रॉम जेल, जो सत्याग्रहियों को जो प्रदर्शन के दौरान में टोडी ग्रुप के सामने हो गए थे, जब गिरफ्तार किया गया तो उनको रिलीज कर दिया जाता है, जेल से छोड़ दिया जाता है। दे नरेट द टेल ऑफ हॉरिबल बीटिंग, वो वर्णन करते हैं, कहानी सुनाते हैं भयानक तरीके से जो उनकी पिटाई की गई थी एंड टॉर्चर यात्राएं दी गई थी इन द जेलों के अंदर। दे वर वीप, उन्हें कोड़े मारे गए एंड फोर्स टू वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक उनसे, बहुत ज्यादा समय तक उनसे काम लेते थे। ए विलेज नेम्ड सीतारामूस, ए विलेजर नेम सीतारामू सेज की, एक गांव का आदमी सीतारामू नाम से आदमी था, वो बताता है दैट ही वाज ट्रीटेड लाइक एन एनिमल, कि मेरे साथ जानवरों की तरह व्यवहार किया गया। ही वाज योक्ड टू प्लो एंड आस्क टू पुल इट, ही वाज योक्ड होता है जुआ लगा देना बैलों की तरह, टू प्लो हल खींचने के लिए जुआ लगाया गया एंड आस्क टू पुल इट, और कहा गया इसे खींचो। द गवर्नमेंट ट्राइज टू रिप्रेस द प्रोटेस्ट ऑफ द पीपल विद देयर माइट, से सरकार जो है प्रयास कर रही है दबाने का विरोध को लोगों के, विद देयर माइट अपनी पूरी ताकत के साथ। फ्रीडम फाइटर्स आर टॉर्चर इन द जेल, जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको यातनाएं दी जाती है जेलों में। ए न्यू पटेल इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, के एक नया मुखिया जो नियुक्त किया जाता है सरकार के द्वारा, एंड पीपल आर ऑर्डर टू पे टैक्सेस टू हिम, और लोगों को आदेश दिए जाते हैं इसको टैक्स दें। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट पेमेंट्स, अगर टैक्स नहीं दिए, देयर प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, होता है जब्त कर लेना, उनकी प्रॉपर्टी को छीन लिया जाएगा, उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। पीपल प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द कमिंग स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, लोग जो है तैयार करते हैं अपने आप को आने वाले संघर्ष के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। देन द गवर्नमेंट एक्शन बिगेन, तब सरकार अपना काम शुरू कर देती है। वन मॉर्निंग द पीपल्स ऑफ कांथापुरा finds that all the roads leading to the village have been blocked, एक सुबह सुबह जो है कंथापुर के गांव को पता लगता है, गांव के लोगों को, कि उनके जो गांव की सड़कें थी वो पूर्ण तरीके से बंद कर दी गई हैं। Trees have been cut, पेड़ काट दिए गए हैं, laid on the road, सड़कों पर डाल दिए गए हैं। Also heap of stones are put on the road, सड़कों पर, also heap of stone, पत्थरों के ढेर are put on the road, सड़कों पर डाल दिए गए हैं। Policemen stand behind them, और उनके पीछे पुलिस वाले खड़े थे, with guns in their hand, अपने हाथों में बंदूक लिए हुए। A white man is giving them order, एक अंग्रेज आदमी उन्हें आदेश दे रहा था। In the afternoon, दोपहर बाद, an announcement is made, घोषणा की जाती है that if they do not pay the taxes, अगर वो टैक्स नहीं देते हैं, they would be arrested, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मूर्ति रनगम्मा रत्ना go from door to door, मूर्ति रनगम्मा और रत्ना जो है घर घर जाते हैं। They tell people, लोगों को बताते हैं that if the policeman comes to their houses, अगर पुलिस वाले उनके घर पे आते हैं, they should ring bell, क्यों घंटी बजा देंगे। Then the other will comes, तो देर है तब दूसरे गांव के लोग जो उनकी सहायता के लिए आ जाएंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले प्रातः पुलिसमैन कम्स, पुलिस वाले आते हैं एंड टेक द कुलीज बैक फ्रॉम द विलेज, और जो कुली वहां स्कैफिंगटन स्टेट से पैरिया क्वार्टर के अंदर रहने के लिए आ जाते हैं, उनको लेने के लिए टू द कॉफी स्टेट में वापिस उनको लेकर चले जाते हैं। मूर्ति एंड रनगम्मा आर टेकन अवे बाई द पुलिस फोर्सेबली, जबरदस्ती मूर्ति को रनगम्मा को वहां से ले जाया जाता है पुलिस के द्वारा। रनगम्मा हाउसेस इज लॉक्ड एंड गार्डेड एंड नो वन कैन एंटर, रनगम्मा का घर जो लोग ताला लगा देते हैं एंड गार्डेड, चारों तरफ से सुरक्षा की जाती है, कोई भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। द होल विलेज बिकेम ए काइंड ऑफ पुलिस कैंप, सारा का सारा गाँव एक पुलिस के कैंप की तरह बन जाता है, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस थी। द पुलिस मैन ट्रीट मैन वोमैन एंड चिल्ड्रन ब्रूटली, कि पुलिस वाले बहुत अत्याचार कर रहे थे आदमी और तो बच्चों को, बड़ी जानवरों की तरह उनकी पिटाई कर रहे थे। वेन ए पुलिस मैन अटैक्ट हर, कि जब पुलिस वाला आदमी जो है आक्रमण करता है उसके ऊपर। सीथम्मा रस्ट टू हर नेबर्स हाउस, सीथम्मा जो है पड़ोस के घर में जाता है। द पुलिस मैन सराउंडेड हर हाउस, पुलिस वाले जो है उसके घर के चारों तरफ से घेर लेते हैं। द पुलिस मैन ट्रीट मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन ब्रूटली, बड़ी जानवरों की तरह जो है पुलिस वाले आदमी और तो बड़ी निर्दयता से, क्रूरता से कह लें, आदमी और तो बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं। वैन
ए पुलिसमैन अटैक था, जब वो पुलिस वाला उसके ऊपर आक्रमण करता है। सितम्मा रश टू हर नेबर्स हाउस, सितम्मा जो अपने पड़ोसी के घर चली जाती है। द पुलिसमैन सराउंडेड हर हाउस, पुलिस वाले जो उसके घर को घेर लेते हैं। द टेम्पल वॉज कंसिडर ए सेफ प्लेस, मंदिर को एक सुरक्षित स्थान माना जाता था। बट द पुलिस रीच देयर आल्सो, परंतु पुलिस भी वहां पहुंच जाती, वहां भी पुलिस पहुंच जाती है। ए ग्रुप ऑफ 12 वुमेन्स वर किक्ड, एक समूह जो है 12 औरतों के समूह के वर किक्ड, लाते मारी जाती है, ठोकरें मारी जाती हैं एंड व्हिप्ड, कोड़े मारे जाते हैं बाई पुलिस मैन के द्वारा। रत्ना इज फाउंड इन द पोस्ट ऑफिस हाउस, की रत्ना को पकड़ लिया जाता है पोस्ट ऑफिस से, डाकघर के कार्यालय से। हर एंकल, एंकल है एंगल नहीं है, हर एंकल्स आर टाइड, उसके टखनों को बांध दिया जाता है टुगेदर इकट्ठे। एंड ए पुलिस मैन इज ट्राइंग टू एक्सप्लोइट हर, एक पुलिस वाला जो है उसका शोषण करने की कोशिश कर रहा था। व्हेन द क्राउड रीचेस देयर, जब पुलिस वहां पर पहुंच जाती है, हिरंज में वो दौड़ जाता है। सी इज ब्रोट टू द टेम्पल, उसको मंदिर में लाया जाता है। द पैरिया वुमेन सेट्स भट्टा हाउस, उन पर पैरिया की जो औरतें हैं वो भट्टा के घर को आग लगा देती हैं। इन द टेम्पल में वन ऑफ द वुमेन वेदम्मा हैज हाई फीवर, की वेदम्मा एक औरत को बुखार हो जाता है। रत्ना कम्स आउट ऑफ द टेम्पल, रत्ना जो मंदिर से बाहर आती है टू ब्रिंग ए ब्लैंकेट फॉर हर, उसके लिए कंबल लाने के लिए। बट ए पुलिस मैन सीज हर, परंतु एक पुलिस वाला उसे देख लेता है एंड रसीज आफ्टर, उसके पीछे दौड़ता है वो। सी रसीज बैक टू द टेम्पल, और मंदिर में वापिस दौड़ जाती है एंड क्लोजेज द डोर, दरवाजा बंद कर लेती है। द पुलिस मैन सीज द डोर ऑफ द टेम्पल सो दैट नो बॉडी कैन इंटर आउट कम आउट, ए पुलिस वाले जो हैं सील्स द डोर ऑफ द टेम्पल, मंदिर के दरवाजे को सील कर देते हैं बिल्कुल, सो दैट नो बडी कैन कम आउट, ताकि कोई बाहर ना आ सके। दे रिमेन हंग्री एंड थ्रस्टी फॉर द होल डे, सारा दिन भूखे प्यासे औरतें रहती हैं। बट नो हेल्प कैन कम फ्रॉम आउटसाइड, परंतु बाहर से कोई सहायता नहीं आ सकती थी, एज देयर इज पुलिस एवरीवेयर, क्योंकि हर जगह पर पुलिस थी। दे पास द नाइट सिंगिंग भजन, रात जो है भजन गाकर वो अपनी गुजारती हैं। द नेक्स्ट डे रचन्नास वाइफ ओपन द डोर, अगली सुबह जो रचन्ना की पत्नी जो दरवाजा खोलती है। द पुलिस मैन हैव लेफ्ट द टेम्पल, पुलिस वाले मंदिर छोड़कर जा चुके थे। एंड द वुमेन्स आर नाउ फ्री, अब औरतें स्वतंत्र थी, आजाद होती। व्हेन द वुमेन्स हरी बैक होम, जब औरतें जल्दी से घर पहुंचती है, दे फाइंड दैट द स्ट्रीट आर डेजर्टेड, वो देखती हैं कि गलियां सुनसान पड़ी हुई हैं। दे फाइंड दैट ऑल देयर मैन हैव टेकन अवे बाई द पुलिस, कि उनको पता लगता है कि उनके सभी आदमियों को पुलिस उठाकर ले गई है। सम ऑफ देम हैव हिडन इन द डेंस फॉरेस्ट अराउंड द विलेज, कुछ उनमें से गाँव के आदमी गहन जंगल के अंदर जाकर गांव के पास में छुप गए थे। नाउ व्हेन द पुलिस हैज गोन अवे, जब पुलिस वहां से चली गई थी, दे फील ग्रेट रिलीफ, उन्हें थोड़ी राहत महसूस की। देर इज ग्रेट पीस फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के, देर इज सम पीस फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए कुछ शांति वहां पर हो जाती है। नथिंग हैपन फॉर थ्री डेज, तीन दिन कुछ नहीं होता। देन ए नंबर ऑफ कार्स कम टू द विलेज, तब एक बहुत सी कारें वहां पर आ जाती है। ड्रमर मेक्स एन अनाउंसमेंट, एक ढोल वाला वहां पर घोषणा करता है। इट इज अनाउंस, ये घोषणा की जाती है दैट दोज हु डू नॉट पे द टैक्सी, जो टैक्स नहीं देंगे विल बी कंसिडरेबल, उनको विद्रोही माना जाएगा। देयर फील्ड एंड हाउसेज विल बी ऑक्यूपाइड, उनके खेतों को और घरों को छीन लिया जाएगा एंड ऑक्शन, नीलामी कर दी जाएगी उनकी। सतम्मा पुट्स द ब्लेम ऑन मूर्ति, सतम्मा जो है सारे आरोप मूर्ति पे लगाती है। सी सेज, वो कहती है दैट ही हैज ब्रॉट मिजरी टू द होल विलेज, गाँव सारे गाँव के लिए दुख यही लेकर आया है। द वुमेन मीट रत्ना, की औरतें जो है रत्ना को मिलती हैं एंड सी टेल्स देम नॉट टू वरी, उन्हें कहती चिंता की जरूरत नहीं है। सी एश्योर देम, वो उन्हें आश्वस्त करती है दैट पीपल फ्रॉम द सिटी विल कम, शहर के लोग आएंगे, एंड नॉट लेट द गवर्नमेंट ऑक्शन देयर हाउसेज, और सरकार उनके घरों को नीलामी नहीं करने देंगे वो। द कोर्ट एज वेल द बैंक्स आर क्लोज, न्यायालयों को बैंकों को बंद कर दिया जाता है। द कलेक्टर ने और गोज आउट, कलेक्टर जो डीसी जिसको हम कहले बाहर नहीं जाता है, एंड पुलिस प्रोटेक्ट हिम, पुलिस वाले उसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। प्रोसेशन, जलूस, धरने, प्रभात फेरी एंड बीटिंग बाय द पुलिस बिकम कॉमन साइट, के पुलिस के द्वारा लोगों की पिटाई करना ये आम दृश्य देखने को हो गए थे। थाउजेंड पीपल्स आर पुट इन टू द जेल, हजारों लोगों को जेलों में डाल दिया गया। नाउ द पीपल फॉलो महात्मा गांधी एंड नोबडी फियर्स, अब हर कोई लोग जो है महात्मा गांधी की बातों को मान रहे थे और वो नहीं डर रहे थे द लॉ कानून से। दे ओनली ओबे द लॉ ऑफ कांग्रेस, वे केवल कांग्रेस की बातों को मान रहे थे। रत्ना टेल्स देम दैट पीपल इन द सिटी ऑफ द पेशावर इन नॉर्थ इंडिया
रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉन्करर्स एटी की रत्ना लोगों को बताती है कि उत्तर भारत के अंदर पेशावर शहर जो आजकल पाकिस्तान में पड़ता है वहां पर लोगों ने विद्रोह कर दिया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और उसको अपने कब्जे में ले लिया है, जीत लिया है, मीन्स कॉन्कर्ड कर लिया है। पीपल आर इंस्पायर्ड, लोगों को प्रेरित किया जाता है एंड इनक्रेज, हौसले बढ़ाए जाते हैं व्हेन दे आर टोल्ड अबाउट द सक्सेस ऑफ महात्मा गांधी कैंपेन, जब उन्हें बताया जाता है महात्मा गांधी की अभियान की सफलता के बारे में। द वुमेन ऑफ कांथापुर टेक ए डिसीजन टू लीव द विलेज सीक्रेटली, गांव की औरतें निर्णय करती हैं कि कांथापुर गांव को चुपचाप छोड़ देते हैं। दे विल लीव इट अंडर द प्रीटेक्स ऑफ हैविंग सत्यनारायण प्रोसेशन, क्यों बहाना करते हैं कि हम इस बहाने, प्रीटेक्स होता है ढोंग करना, बहाना करना, सत्यनारायण प्रोसेशन होता है जलूस, कि सत्यनारायण की कथा का जलूस निकालने के बहाने हम गांव को छोड़ देगी। रत्ना ब्लोज द कौन से था शंख बजाना, रत्ना जो शंख बजाती है, द प्रोसेशन स्टार्ट, जलूस शुरू हो जाता है। द पुलिस मैन विद देयर लाठी स्टॉप देम, पुलिस वाले अपनी लाठियों के साथ उनको रोकना शुरू कर देते हैं। बट रत्ना कन्विंस देम, परंतु रत्ना उन्हें विश्वास दिलाती है दैट इट इज ओनली अ रिलीजियस प्रोसेस, नहीं कि धार्मिक जलूस है बस ये, सो दे अलाउड देम टू गो, तो इसलिए उन्हें वो अनुमति दे देते हैं जाने के लिए। एज सून एज दे आर ऑन द आउट सर्किट, होता है सरहद, जैसे ही वो बाहर पहुंचते हैं ऑफ द विलेज, गांव की सरहद पे, दे स्टार्ट शाउटिंग, वो नारे लगाना शुरू कर देते हैं, वंदे मातरम एंड महात्मा गांधी की जय। नाउ द पुलिस रशेस एट देम, पुलिस उनके पीछे दौड़ लेती है। द मैन हिडिंग इन द जंगल आल्सो कम आउट, तो गांव के आदमी जो जंगल में छुपे हुए थे वो भी बाहर आ जाते हैं। द पुलिस अटैक देम ब्रूटली, बड़ी क्रूरता के साथ, बड़े अत्याचारों के साथ पुलिस उन पर आक्रमण कर देती है। बट द पीपल कंटिन्यू मार्चिंग, परंतु लोग लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। एज दे रीच द कॉफी स्टेट, जैसे वो कॉफी बागान में पहुंचते हैं, द कुलीज आल्सो ज्वाइन देम, पुलिस कुली भी उनके साथ में, वर्कर स्कैफिंगटन कॉफी स्टेट के, वो भी शामिल हो जाते हैं। ए वाइट पुलिस ऑफिसर ऑर्डर देम टू स्टॉप, कि एक अंग्रेज अधिकारी जो ऑर्डर देता है उनको रुकने का, व्हेन दे रिफ्यूज टू स्टॉप, जब वो रुकने से मना कर देते हैं, ही ऑर्डर द पुलिस टू फायर एट देम, टू पुलिस को ऑर्डर दे देते हैं गोली चलाओ इनके ऊपर। देर आर अबाउट 3000 मैन, लगभग 3000 आदमी वहां पर थे। नाउ देर इज हैंड टू हैंड फाइट विद द पुलिस, अब आमने सामने की लड़ाई होती है पुलिस के साथ। दिस ब्लडी बैटल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन द फील्ड, ये जो खून खराबी की लड़ाई काफी समय तक खेतों में भी चलती रहती है। मैनी पीपल आर डेड, काफी सारे लोग मारे जाते हैं, एंड हंड्रेड ऑफ देम आर वाउंडेड, और सैकड़ों की संख्या में वाउंडेड घायल हो जाते हैं। रांची रचन्ना वाइफ से, रांची जो है रचन्ना की पत्नी कहती है, दैट द सी विल सेट द होल विलेज ऑन फायर, जो सारे के सारे गांव को आग लगा देगी, सो दैट इट डज नॉट फॉल इन टू द हैंड ऑफ द पुलिस, ताकि ये पुलिस के हाथ में ना पड़ सके। सी एंड अदर वुमेन सेट ऑन फायर द स्टैंडिंग क्रॉप्स, वो और दूसरी गांव की औरतें खड़ी हुई फसलों को आग लगा देती हैं, ग्रेन रीड अनाज के भंडारों को एंड हाउसेस घरों को। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन लीव द विलेज, आदमी औरत और बच्चे गांव को छोड़ देते हैं एंड हेड टुवार्ड कांसीपुरा, और कांसीपुर की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। व्हेन दे रीच देयर, जब वो वहां पर पहुंचते हैं, दे आर गिवन हीरोज वेलकम, उनका नायकों की तरह स्वागत किया जाता है बाई द पीपल ऑफ कांसीपुरा, कांसीपुर के गाँव के लोग उनका स्वागत करते हैं। दे डिसाइड टू सेटल इन कांसीपुरा, वो निर्णय करते हैं कांसीपुर में ही बसने का, कि कांसीपुर में ही बसेंगे, उस गाँव को, अपने गाँव को वो आग लगा कर आ जाते हैं। कॉन्क्लूडिंग पार्ट, निष्कर्ष लास्ट में, द विलेजर ऑफ कांथापुरा आर नाउ विदाउट देयर फील्ड एंड हाउसेज, अब कांथापुरा गाँव के जो लोग थे उनके पास ना घर थे ना खेत थे। देर लाइफ इन कांसीपुरा इज ऑल्सो डिफिकल्ट, कांसीपुर के अंदर उनकी जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी थी। बट दे गैदर इन द आफ्टरनून, परंतु सारे के सारे जो कांथापुरा गांव के लोग थे वो शाम दोपहर बाद इकट्ठे होते थे एंड रीड रिलीजियस बुक्स और धार्मिक पुस्तकें पढ़ते थे। दे डिस्कस द फ्रीडम स्ट्रगल, वो चर्चाएं करते थे स्वतंत्रता से संघर्ष की। मैनी ऑफ देयर फ्रेंड्स आर इन जेल, उनके बहुत से दोस्त जो है गाँव के लोग अभी जेलों में थे। दे एंक्सियसली वेट फॉर देयर रिलीज, वो बड़ी चिंतित अवस्था में प्रतीक्षा कर रहे थे उनके आजाद स्वतंत्र होने की, छोड़ने की। रत्ना इज रिलीज, रत्ना को छोड़ा जाता है फर्स्ट, सबसे पहले सी टेल्स देम अबाउट द टॉर्चर ऑफ द प्रिजनर इन द जेल, वो उनको बताती है कि किस प्रकार की यातनाएं कैदियों को जेलों में दी जाती हैं। इन द मेन टाइम, उसी दौरान महात्मा गांधी साइन ए पीस ट्रीटी विद द वायसराय के साथ, गांधी जी शांति समझौता कर लेते हैं। एज ए रिजल्ट द फ्रीडम स्ट्रगल इज सस्पेंडेड फॉर सम टाइम, इसके परिणाम स्वरूप कुछ समय के लिए जो स्वतंत्रता संघर्ष था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसको स्थगित कर दिया जाता है। नाउ द फ्रीडम फाइटर आर रिलीज वन बाई वन, अब स्वतंत्रता सेनानियों को एक एक करके छोड़ दिया जाता है। मूर्ति इज ऑल्सो रिलीज, मूर्ति को भी छोड़ दिया जाता है। ही राइट्स ए लेटर टू देम, वो उनको पत्र लिखता है एंड टेल्स देम, उनको बता देता है अबाउट जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी। He says that Nehru is also a great man like Gandhi. वो कहता है कि नेहरू जी भी गांधी जी की तरह एक महान आदमी है। रत्ना लीव द विलेज एंड मूर्ति स्टिल विद द महात्मा, रत्ना जो है गाँव को छोड़ देते, लीव फॉर बॉम्बे के लिए चली जाती है, और मूर्ति स्टिल विद महात्मा, और मूर्ति जो है अभी महात्मा गांधी के साथ है।
देन पीपल कम्स टू नो, तब गांव के लोगों को पता लगता है दैट गांधी वाज गोइंग टू इंग्लैंड, कि गांधी जी इंग्लैंड जा रहे हैं। दे फील श्योर, उन्हें पक्का विश्वास था दैट गांधी विल ब्रिंग स्वराज्य टू द कंट्री, कि गांधी जो है स्वराज्य लेकर आएंगे देश के लिए। पटेल रंगे गौड़ा कम्स टू कांथापुरा आफ्टर हिज रिलीज, जब पटेल रंगे गौड़ा को छोड़ा जाता है, वो भी कांथापुर में पहुंचता है जेल से छूटने के बाद। बट ही फाइंड इट डेजर्टेड, परंतु देखता है गांव सुनसान पड़ा हुआ है। ही इज नाउ ए डिफरेंट मैन, अब बिल्कुल बदला हुआ आदमी है। ही हैज बिकम सो लीन एंड थिन, होता है दुबला पतला, बिल्कुल कमजोर हो चुका है, दैट इट इज डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज हिम, उसको पहचानना भी बहुत मुश्किल है। ही सेटल इन काशीपुरा में ही रुक जाता है एंड लीड्स ए पीसफुल लाइफ देयर, और वहाँ काशीपुर के अंदर शांतिपूर्वक जिंदगी वो व्यतीत करता है। द कॉन्क्लूडिंग सेक्शन ब्रिंग्स टू द टेल फुल सर्कल, की निष्कर्ष अंतिम भाग में कहानी घूम के फिर वहीं पर आ जाती है। 14 मंथ लेटर, 14 महीने बाद, वेयर देर इज ए ईगर एंटिसिपेशन, की बहुत उत्सुकतापूर्वक अनुमान था ऑफ स्वराज्य का और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत की आजादी का। ऑफ द मेल हीरोज ओनली पटेल रंगे गौड़ा रिटर्न ब्रीफली टू कांथापुरा, जो हमारे हीरो जितने भी आदमी थे, जितने भी यहाँ पे मूर्ति वगैरह जो भी आए थे अपने करेक्टर, उनमें केवल पटेल रंगे गौड़ा जो कुछ समय के लिए कांथापुरा के अंदर आए थे, कांथापुर के अंदर। यर द विलेजर फील ब्लेस्ड बाय द गुडेसिस कंचम्मा, परंतु गांव के लोग जो हैं अपने आप को वरदानित महसूस करते हैं उनकी देवी कंचम्मा की अनुकृपा से, उनके वरदान से, कि लोग जो है अपने आप को बड़े ही प्रसन्न महसूस करते हैं। ये था पूरा का पूरा पार्ट, किस प्रकार यहाँ कांथापुर के गांव के लोगों ने नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट का साथ दिया, गांधी जी का साथ दिया, और किस प्रकार उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी अकेले, और यहाँ तक अपने गांव को भी छोड़ के जाना पड़ा था, बहुत से लोग मर भी गए थे, यात्राएं भी झेलनी पड़ी, इवन औरतों ने भी बढ़ चढ़ कर उसके अंदर भाग लिया। इसमें सारी की सारी औरतों को मैं किस किस का मेन करेक्टर्स हैं, मूर्ति का क्या रोल रहा है, पटेल रंगे गौड़ा, मूर्ति, रत्ना, ये काफ़ी 2-3 करेक्टर जो है मेजर करेक्टर थे, और इसमें बड़े खान की भी काफ़ी सारी भूमिका है। वो लास्ट में जो है सुधर जाता है, वो इसके अंदर कहानी के अंदर नहीं आया, उसका जो करेक्टर हम पढ़ेंगे अगर टाइम लगता है तो करेक्टर्स डाले जाएंगे। इसमें मेन करेक्टर रत्ना, पटेल रंगे गौड़ा, मूर्ति और बड़े खान, ये जो है मेन करेक्टर, और भट्टा जो है वो मनी लैंडर जो सारे के सारे गांव की जमीन को हड़प लेता है, ये मेन करेक्टर इसके अंदर रहेंगे। ये कहानी है, क्योंकि हम ज़्यादा लंबी नहीं कर सकते, इसको लंबी पढ़ेंगे तो सारा का सारा साल हमारा निकल जाएगा, क्योंकि वो नहीं करवा पाएंगे। तो निष्कर्ष में कहानी से क्वेश्चन सर हमारे आसानी से निकल जाएंगे, इसके अंदर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।